Friends, am I audible? Please tell me yes or no. You can't hear me? Can you not hear me? Friends, एक बार refresh कर लो. Okay, Kishan is saying, good evening everyone. Great, great, great. जिनका नहीं आ रहा एक बार refresh कर लो, right? Sherpa, एक बार refresh कर लो, my friends. Good, 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 good. Welcome everyone, my friends. First class. Very nice to see you. Namaste, Sid. Good evening, everyone. I'm very well, Subhadra. Thank you. No sound? Beta, no sound. Please, isko wo karo, refresh karo. If don't say, yaar, aisa mat darao, please, yaar. Tumne bola no sound. I'm good, Swati. Thank you. Priya, this is going to be time now. 8 to 10, we will have the classes now. Yaar, aise mat bolo, yaar. Sound nahi aa raha. आ रहा है ना साउंड. ओके 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 ओके. गुरुराज सॉरी बेटा, आज जितना मैं पॉसिबल है मैं उतना करूंगा, राइट? बट इंश्योर कि मैं कोशिश करूंगा 8 to 10 ही रखें, तो विल बी बेटर फॉर मी. कोर्ट आवर्स के साथ इजी हो जाता है मेरे लिए, राइट? सो अदरवाइज इट बिकम्स वेरी भागो, राइट? आई एम गुड शेरपाल, वेलकम. आई एम सॉरी राजवी, ओके, देर है, दुरुस्त है, राइट? अनअकैडमी क्लास. सर, ये क्लास हिंदी मीडियम के लिए बेनिफिशियल है क्या? हाँ फ्रेंड्स, दोनों लैंग्वेज में. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. अच्छा ठीक है, कूल. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर. आई हैव वॉच योर प्रीवियस कोर्स. थैंक यू गाइस फॉर हेल्पिंग. थैंक यू लवली शेरपाल, वेलकम. थैंक यू किशोर. All right. Thank you, Kishore. Thank you very much. Thank you. All right. Start karein, my friends. Right. Kishan is asking, what can we expect from this class? New to your class. Kishan, polity mein toh iske baad koi dukh nahi rahega. Itna I can tell you. Okay, polity, governance and international relations में कोई दुख नहीं रहेगा. That's my promise. All right. So you will do very well in this subject. इतना तो मैं तुम्हें guarantee से बता सकता हूँ. All right. ये subject में you will become champs. All right. बाकी let's see. All right. Mains, veins, interview, सब कुछ बेटा. तुम्हें लबासना में भी उतना नहीं पढ़ाएंगे जितना I'll teach you this part. Don't worry. Yes, Harshad, I'll teach you everything. Just relax. But there are rules of the game. Okay. Yes, yes, I'll teach everything, Harshad. Don't worry. Thank you, Srinivas. Thank you. I watched a previous course. This is similar to Dakwa. Previous course? Yes, yes. This is completely. While teaching, note karna hai. Bilkul note karna hai, my friends. Bilkul note karna hai. Right? Absolutely. Bilkul note karna hai. Right? Aur koi course hai hi nahi, my friends. Yehi hai. I will cover current affairs also. अब सुन लो, अब जो ज्यादा जरूरी बात है वो पहले सब लोग सुन लो. ओके, एब्सोल्यूट रूल्स समझ लो. ओके, लिसन, जब तक मैं नहीं बोलूंगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, यू विल नॉट कमेंट जब तक मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा. ओके, आई विल नॉट एंटरटेन एनी बीच में कमेंट्स. राइट, आई वॉन्ट 100% सीरियसनेस इन द क्लास. नोट्स लेकर बैठ जाओ, कोई पर्सनल कमेंट नहीं चाहिए. मैं जो पढ़ा रहा हूं ऐसे सोच लो मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था. जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ ना, तो जो मेरे से पढ़े हुए ना उनसे पूछ लेना, सांस लेना भी मेरी परमिशन पे होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई प्रॉमिस यू ग्लोरी इन दिस एग्जाम, राइट? लेकिन मुझे चाहिए 100% डेडिकेशन, राइट? कोई कमेंट्स नहीं करेगा. जब मैं पूछूंगा डाउट्स है तो तुम डाउट्स पूछोगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई टाइम पास नहीं है. ये ऑनलाइन क्लासेस को के बहाने पे गप्पे मारने की जगह नहीं है. एब्सोल्यूट सीरियस, भगवान का नाम लेकर, खुदा का नाम लेकर बैठ जाओ पढ़ने के लिए. Are you understanding? Everyone, is that taken? Right? Absolute serious business. बिल्कुल time pass नहीं, एक दूसरे के साथ comments नहीं,
कौन अच्छा है कौन बुरा लग रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, मैं कहां से पढ़ रहा हूं, आई डोंट केयर. ओके, गप्पे मारने वाले मसूरी नहीं पहुंचते. आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट, लेट्स गेट सीरियस विद दिस बिजनेस एंड आई वॉन्ट एवरी वन. और एक और बात, थैंक यू उपदेश, आपने बहुत अच्छी बात बोली. सर पहले कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा हूं, कॉलेज में हूं अभी. आई डोंट केयर, मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम कुछ पढ़ के आओ, मैं चाहता हूं कि तुम अनपढ़ हो जाओ और मेरे सामने बैठ जाओ, खाली डब्बा होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें 100% पढ़ा दूंगा. और कोई और सवाल मत पूछना मुझसे, एक भी सवाल मत पूछना, मेरी क्लास में मैं तुम्हारा सब कुछ कवर कर दूंगा. बिल्कुल क्वाइटली आराम से बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ, जहां पे बैठ जाओ, जस्ट रिलैक्स, हैव फन, एक नया रजिस्टर या नोटबुक लेकर बैठ जाओ. पिक्चर क्लियर? राइट, लेट्स गेट डाउन टू सीरियस ब्रास टैक्स, एब्सोल्यूटली गेट इनटू द बिजनेस. नो कमेंट बाजी, नो क्वेश्चंस, नथिंग यू विल आस्क, जब तक मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है? आई विल कवर एवरी चैप्टर सुभद्रा, डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स. थैंक यू टाटा. ओके, एंड नो कमेंट्स ऑन एनीथिंग, ना मेरी तारीफ करना ना मेरी बुराई करना. ओके सर, आप स्टार्ट कर दो, ज्वाइनिंग की लिस्ट नहीं रुकने वाली. नहीं, कोई बात नहीं, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, कोई बात नहीं. इट इज रिक्वेस्ट टू फॉलो माई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, सो अवॉइड अननेसेसरी क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन पूछना अलाउड ही नहीं है, सिंपल सी बात. जब तक मैं नहीं पूछूंगा तब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा. थैंक यू गुरुराज. एंड स्टॉप कमेंटिंग नाउ, एब्सोल्यूट कमेंटिंग स्टॉप, बिल्कुल एब्सोल्यूट कर्फ्यू नाउ. ओके, कर्फ्यू, एब्सोल्यूट कर्फ्यू. राइट, थिंग्स विच यू कवर्ड इन द प्रीवियस कोर्स वो इस कोर्स में एक्जैक्टली रिपीट होगा. हाँ, एक्जैक्ट रिपीट होगा, जो पिछले वाला है वो रिपीट होगा. ओके, वो टॉपिक्स चाहे तो तुम अगर तुमने अटेंड कर लिया तो छुट्टी बीच में मार लेना. ओके सर, जनवरी 20 लास्ट क्लास, नॉट टू लेट फॉर 2020. कोई बात नहीं बेटा, 2020 बहुत, अगर टू लेट लग रहा है तो फिर टू लेट ही है, वो जितना टाइम चाहिए उतना लगेगा बेटा. आई हैव टू फिनिश द कोर्स प्रॉपरली. सर प्रीवियस कोर्स और ये कोर्स कैसे डील करना है दोनों को? स्वाति, जो प्रीवियस कोर्स का पार्ट है वो रिपीट होगा. ओके, और अगर रिपीट होगा और अगर आपको नहीं दिल कर रहा होगा, आपने ऑलरेडी वॉच किया होगा, तो आप छोड़ देना, ठीक है? दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, नाउ कृपा करके कीबोर्ड से हाथ हटा लो, पेन हाथ में ले लो. राइट, नाउ लुक एट दिस एंटायर टॉपिक, प्लीज डोंट. मृदुल, आई एम नॉट गोइंग टू बार दिस. ओके, सब छोड़ दो प्लीज, कृपा करो यार, डोंट डू दिस, सब छोड़ दो. ऑलराइट, कोई रेफरेंस बुक नहीं लेनी है, प्लीज बंद कर दो प्लीज. राइट, प्लीज लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. कोई और डाउट्स मुझे नहीं एंटरटेन करूंगा मैं. ऑलराइट, एब्सोल्यूट सीरियस कैंडिडेट्स. ऑलराइट, देयर आर मेनी पीपल, आई वांट एवरीवन टू बी एड्रेस. अगर मैं यही डाउट्स करता रहा तो कुछ पढ़ाई नहीं होगी. बिल्कुल छोड़ दो, भगवान का नाम लो, रब का नाम लो, सिट डाउन, स्टॉप द प्रोसेस. ऑलराइट, नाउ वी आर डीलिंग विद टुडे द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ एवरीवन बिल्कुल ध्यान से. ओके, सिर्फ तब कमेंट करना अगर तुम्हें रिपीट करना है तो, अदरवाइज बिल्कुल ध्यान से चलते. ओके, सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ओके, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोलूं, वी स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो द फर्स्ट पार्ट इज अ प्रीएम्बल. ओके, लेकिन द फनी इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज दैट द प्रीएम्बल, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे आगे लिखा हुआ है, प्रीएम्बल एडॉप्ट लास्ट में हुआ था. जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स बननी स्टार्ट हुई, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स होनी स्टार्ट हुई, डॉक्टर अंबेडकर वगैरह सब लोग बैठे, तो 13 दिसंबर 1946 को, मैंने क्या डेट बोला ये लिखते जाओ, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन स्टार्ट किया. उस रेजोल्यूशन को बोला गया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. इसको बोला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सोर्स बनाया गया फॉर द लेटर फॉर्म्ड प्रीएम्बल. मेरी बात समझो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक ब्लूप्रिंट था, एक कच्चा पेपर जैसा था. इट डिड नॉट कंप्लीटली गेट कन्वर्टेड इनटू प्रीएम्बल. ऐसा नहीं हुआ कि तुमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया और उसको लास्ट में जाकर प्रीएम्बल बना दिया. नो, इट वॉज ओनली अ ब्लू प्रिंट, इट वॉज ओनली अ ब्लू प्रिंट. और इस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था और 22 जनवरी 1947 को हमने इसको एडॉप्ट किया था. लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकम्स द सोर्स ऑफ, वर्ड क्या मैंने यूज किया, बिकम्स द सोर्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लाइन? ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स शुरू हुई ऑन 9 दिसंबर 1946. ये सारी डेट्स प्रीलिम्स में आती है. ओके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ ऑन 13 दिसंबर 1946, adopt hua on 22nd January 1947. Finally, it was the source of the preamble of the Constitution of India. Are you understanding this part? Everyone is clear? Ye tumhare notes mein aa jana chahiye, right? I am erasing this part. I hope everyone is done. Okay, this is question number one.
Now, am I raising this part? Yes, I'll repeat. Okay. So the preamble, so I'll repeat this in English now. The preamble is written right in the beginning of the Constitution of India. Constitution Assembly debates started on 9th December 1946. On 13th December 1946, Pandit Jawaharlal Nehru introduced the Aims and Objective Resolution. This Aims and Objective Resolution was adopted on 22nd January 1947. But Aims and Objective Resolution is merely the source of the preamble. It is not the preamble. It is the source of the Constitution. This is 9 December. 9, 9, no December. Okay. Now, it was the source of the preamble. Aims and Objective Resolution gave a blueprint. Preamble came at, or rather was formed at the end of the process. Likha, it is written in the first part of the Constitution, but it was made at the end of the Constitutional Assembly debates. Are you understanding this part? Any doubts till now? Any doubts? If anyone has a doubt, ask me. Nothing? Great. So I hope this is copied now, right? Now, listen. What do you want to repeat, Arifa? Which part do you want me to repeat? If you missed it, you can watch the video. Sorry, I can't repeat on the same part. Listen to this. So now you have the preamble. Sorry. See, first time, Constitution of USA. Constitution of USA for the first time adopted the structure of preamble. Pehli baar Constitution of USA mein preamble ka concept aaya. Pehli baar tumhe ek aur question bata deta hu. Constitution of India is the first written constitution of the world. Pehla written constitution world mein Constitution of USA tha. Okay. Aur America ne pehli baar apne constitution mein preamble likha tha. Pehli baar. Jaise America ne apne constitution mein preamble likha, many countries adopted this structure. बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसा प्रियम्बल लिखना स्टार्ट कर दिया. ओके, इंडिया ने भी प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया. ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज द वन व्हिच इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज रिटन. मेनी कंट्रीज अडॉप्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम अमेरिका. इंडिया ने भी प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट अमेरिका से अडॉप्ट किया. ओके, सो इंडिया ने भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए को देखा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में प्रियम्बल था, हम लोगों ने भी सोचा चलो हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल डाल देते. हमारा प्रियम्बल वर्ड स्टार्ट होता है वी द पीपल से. ओके, तो अगर तुम्हें याद है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ये तुम्हारा प्रियम्बल है. अब इंटरेस्टिंग बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वी द पीपल वर्ड अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है. सो हमने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया उनका, बट ओनली फर्क उनका वी द पीपल ऑफ यूएसए, हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये वी द पीपल क्यों लिखा हुआ है हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? ये वी द पीपल से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? ओके, अन अकेडमी प्लस कृपा करके सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट, राइट? मैं तुमसे पूछूंगा तब ये देखो, ठीक है? सबको मालूम है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट प्लीज, राइट? पढ़ो प्लीज, आई लास्ट यू दिस. वी द पीपल जो है, ओके, वी द पीपल वर्ड क्या दिखा रहा है? इट शोज दैट द सोर्स ऑफ पावर, द सोर्स ऑफ पावर ऑफ इंडिया इज द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, इस फिनोमेनन को ऑटोक्थोनी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ऑटोक्थोनी. नाउ, इसको ऑटोक्थोनी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्थोनी का मतलब होता है रूल्ड बाय द सॉइल. इसको बोलते हैं रूल्ड बाय द सॉइल. मैं अपनी मिट्टी में से ताकत पाता हूं. आई एम रूल्ड बाय द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया. मतलब हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों से पावर मिलती है. इट इज इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया. इसका मतलब मेरे ऊपर किसी और कंट्री ने रूल नहीं करना है, मेरे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आने वाला. इन अदर वर्ड्स, मैं डोमिनियन नहीं हूं. इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन. डोमिनियन मतलब मेरा किसी भी और कंट्री का, चाहे वो इंग्लैंड ही क्यों ना हो, ओके, इंग्लैंड ही ना हो क्यों ना हो, अब उसका कोई कंट्रोल हम पर नहीं है. In other words, I am not a dominion of England.
आई एम रूल्ड बाय द सॉइल, इस फिनोमिनन को बोलते हैं रूल्ड बाय द सॉइल को बोलते हैं ऑटोक्टोनी। ये 99.9% ऑफ योर कॉम्पिटिशन को सपने में भी नहीं आएगा ऐसा वर्ड क्या है। ओके, व्हाट इज वी द पीपल? वी द पीपल इज अ प्रूफ दैट इंडिया इज रूल्ड बाय ऑटोक्टोनी, ऑटो सेल्फ थोनी रूल्ड। आई एम रूल्ड बाय माई सेल्फ, रूल्ड बाय द सॉइल, रूल्ड बाय द इंडिजिनस पीपल। अब ये मैं प्रूव कैसे करूंगा? मैं ऐसे प्रूव करूंगा बिकॉज ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल अरेंजमेंट। जब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। आई होप सबको मालूम है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पीपल ने नहीं वोट किया था। पीपल डिड नॉट वोट फॉर देम। यू वर वोटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। मैंने क्या वर्ड यूज किया? मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने तुम्हें वोटिंग किया था। मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को आजकल हम लोग MLAs बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन तुम्हें पीपल ने नहीं दी थी, सेकेंड कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 ने दी थी। किसने दी थी? सेकेंड कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 ने तुम्हें सैंक्शन दिया था। ये प्रीलिम्स क्वेश्चन आता है। सेकेंड कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 तो इंग्लैंड ने बनाया था, तो जब इंग्लैंड ने बनाया था तो तुमने वी द पीपल लिखने की हिम्मत कैसे कर दी? तुम्हारा सोर्स ऑफ पावर तो वी द पीपल है ही नहीं, तुम्हारा सोर्स ऑफ पावर तो सेकेंड कैबिनेट मिशन है। बात समझ में आया या नहीं? यस और नो बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसे मेमोराइज करने से थोड़ा हो जाओगे। तुम्हारे को तो पावर मिली ही नहीं थी पीपल से। 9 दिसंबर 1946 को तुम तो आजाद ही नहीं थे। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी? तुम तो खुद ही गुलाम थे। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट डे था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये सुनो, तो फिर हमने ये वी द पीपल कैसे लिख दिया? और वो वी द पीपल लिखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को साष्टांग नमस्कार करो, बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर ने तुमको ये पावर दे दी। कैसे? ऑलराइट, इंडिया इंडिपेंडेंस, ध्यान से सुनना ना, ओके? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने तुमको आजादी दी थी। किसने दी थी? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने तुमको आजादी दी थी। ऑन 18 जुलाई 1947, डेट याद रखना, ऑन 18 जुलाई 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने पहली बार बोला कि ऑन द अपॉइंटेड डे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन द अपॉइंटेड डे ऑफ 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश इंडिया शैल बी डिवाइडेड, ब्रिटिश इंडिया शैल बी डिवाइडेड इंटू टू ऑटोनोमस डोमिनियंस। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑटोनोमस डोमिनियंस। वन शैल बी कॉल्ड एज इंडिया, द अदर शैल बी कॉल्ड एज पाकिस्तान। भाई तुम्हें डोमिनियन स्टेटस मिला है, तुम अचानक मत बोलने लग जाओ कि तुम आजाद हो गए, आजाद हो गए। तुम ऑटोनोमस डोमिनियंस थे, यानी कि कंडीशनल इंडिपेंडेंस थी। क्या कंडीशनल इंडिपेंडेंस थी? कि तुम इंग्लैंड के किंग को अभी भी अपना हेड ऑफ द स्टेट मानोगे। किसको मानोगे? किंग ऑफ इंग्लैंड को हेड ऑफ द स्टेट मानोगे जब तक तुम्हारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना 26 जनवरी 1950 को। क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना 26 जनवरी 1950 को। उस दिन के बाद तुम क्या नहीं रहे? तुम डोमिनियन नहीं रहे, तुम इंग्लैंड के कंट्रोल से पूरी तरह से छूट गए। लेकिन लेकिन ब्रिटिशर्स गेम खेल रहे थे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ध्यान से सुनो मेरी बात, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में एक क्लॉज ये भी था कि जब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा ना फाइनली, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुम इंग्लैंड भेज देना। इंग्लैंड इसको फाइनली अप्रूव करेगा। कौन अप्रूव करेगा? इंग्लैंड अप्रूव करेगा। क्यों इंग्लैंड अप्रूव करेगा? बिकॉज तुम भूले नहीं कि सेकेंड कैबिनेट मिशन ने तुमको सैंक्शन दिया है। डॉक्टर अंबेडकर बहुत स्मार्ट थे एंड डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, ओहो मैं भूल गया, दिस इज अ प्रोसीजरल एरर, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को भेजना भूल गया, और क्योंकि मैं इसको बनाना भूल गया हूं, आई हैव फॉरगॉटन टू सेंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू इंग्लैंड, I can safely use the word, say the word. The word is we the people. In other words, मैं declare कर रहा हूं in loud and clear terms that India shall not be under England at all. There is no influence of England on us.
We are ruled by autochthony. Are you understanding? Say a silent thanks to the founding fathers जिन्होंने तुम्हें ये लिखने की हिम्मत दे दी, वरना तुम्हारे we the people पे लिखा होता. Yes, Hari Vignesh, we did not send the constitution to Britain. वरना तुम्हारे we the people पे लिखा होता second cabinet mission. Are you understanding? ये we the people came because of the efforts of Dr. Ambedkar. This is, and the founding fathers, this is called as autochthony. Are you understanding? Subhadra, हम भूल गए. We forgot to send this. Are you understanding? इस तरह से we the people possible है. Okay. हमें देख देख के पाकिस्तान ने भी नहीं भेजा देते. Are you understanding? Okay. So nobody sent this. And we took the example from that. Hence the words we the people. Everyone has understood the importance of the words we the people. तुम्हारे एग्जाम में आंसर आएगा तो यू शुड बी 100% क्लियर. We the people is showing the phenomenon of autochthony. It means ruled by the soil, ruled by the indigenous. Are we clear? Absolutely. Is the slide copied completely? एक एक वर्ड कॉपी होना चाहिए तुम्हारे नोट्स में. पिक्चर क्लियर? ओके. एनी डाउट्स? रजत इज आस्किंग समथिंग. रजत आगे मत चलो बेटा, कोर्स के सामने सामने रहो. ओके. I'll get everything. Everyone is clear on this part? All right. Next slide, you want to copy? All right. Achha, you copy this part. All right. Anyone who wants to copy this part, you're free to copy. Everything sequentially copy karna. India Independence Act kab hua? India Independence Act ne kaun sa appointed date diya? British India was divided into autonomous dominions. Constitution of India was enforced. Ye words likhna start kar do. It was enforced on 26 January 1950. Ye words likhe hone chahiye. All right. On this day, is date ke baad, you are not a dominion. And by a procedural error, हमने second cabinet mission को so called नहीं लिखा और उसकी जगह we wrote the word we the people. Picture clear? No, Jyoti, they did not have any powers. Okay. All right. Can we go to the next part? I'll give you 30 seconds to copy this. Jyoti, no, Britishers did not do anything. Kishan is asking. Kishan is asking, second cabinet mission, India Independence Day link. India Independence Act. Second cabinet mission had given legal sanction to the formation of the Constituent Assembly of India. Constituent Assembly of India banai gayi thi, usko jo legal sanction, legal permission diya gaya tha, wo second cabinet mission 1946 ne diya tha. Ye tumhara prelims question aata hai. Okay, Kishan? Oh, got it. Fair enough. Can we go ahead now? Ab hamare paas hai, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into. अब मैं इसको कंटिन्यू करता जा रहा हूं, सब लोग यहां पे देखो, डोंट स्टॉप राइटिंग. ऑलराइट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉरी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, नंबर वन, सॉवरेन. अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स नहीं थे, इसलिए मैंने इसके आगे हैशटैग लगा दिया. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तीन वर्ड्स है, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. It was by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Yaad rakhte jana. 42nd Constitutional Amendment Act 1976 that we had two words added, which was socialist and secular. Okay. 42nd. Tumhe question aayega. What were the words added? What were the words added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? Tum kya answer doge? Jaldi bolo. 1, 2, 3 and 4. Jaldi bolo. Hurry up, hurry up. What were the words added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976? Socialist secular, socialist secular. And Kishan ne bacha liya tumko. Okay. Kishan ji ne bacha liya. The word here is socialist, secular, and another word called as integrity. Rat lo. Memorize karo. Three words. Socialist, secular, and integrity. Ye rat lo. There were three words added by the 42nd Constitution. Do words soch ke mat aa jana. Majority people don't know ki there was a third word also. Third word was integrity. Are you understanding this part? Okay. Original words were sovereign, socialist, sovereign, democratic and republic, socialist, secular, or niche aayega baad mein in the preamble, was integrity. There were three words added by 42nd Amendment 1976. Please, iska na naam bulna, na number bulna, na year bulna. 1976. 4 and 2 yaad rakhna, 6. 4 and 2 is 6, 42 is, 42nd is 1976. Okay? Ab hum ek ek word ko dhyan se dekhenge and then we'll try and understand every structure here. Please understand this. So the first word, everyone focus on this part. The first word is sovereign. हमने फर्स्ट वर्ड देखना है एंड दैट वर्ड इज सॉवरेन. अब ये सॉवरेन क्या होता है? व्हाट इज सॉवरेन? सॉवरेन वर्ड मींस, ओके, सॉवरेन वर्ड मींस आई एम नॉट गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल पावर. मैंने क्या बोला?
I will not be influenced by any external power with regards to dealing with my country. मैं अपनी laws, policy, reforms, amendments, constitution, procedures, regulations, ये सब कुछ खुद decide करूंगा. ये हिंदुस्तान का अपना मामला है. No external power will be using this power on me or any power on me. मेरे पर कोई external influence नहीं होगा. Are you understanding this part? तो सर, इंडिया इज सॉवरेन और नॉट? इंडिया सॉवरेन है या नहीं है? यस और नो, जल्दी से बोलो. यस और नो, हम सॉवरेन है? वेरी गुड. तुम्हारे कहने से तो नहीं लग रहा मुझे. तो अगर इंडिया इज सॉवरेन, तो यूएनओ को ज्वाइन किया है. यूएनओ कल हम लोगों को बोलता है पीस कीपिंग फोर्स भेजो, पीस कीपिंग फोर्स भेजो. ओके, अपनी आर्मी भेजो कश्मीर में, ये करो. ओके, ह्यूमन राइट्स का ये करो. सो व्हाट इज द पॉइंट? ब्यूटिफुल, लवली, थैंक यू, लव यू गाइस. In other words, UNO के जो भी bindations है वो मेरे ऊपर binding नहीं है. Why? Because मेरे ऊपर सिर्फ वो binding होता है जो मैंने Constitution of India में लिखा है. क्या मैंने बोला? वो मेरे Constitution of India में अगर नहीं लिखा है, मैं उसको मानने के लिए bound नहीं हूँ. I am not bound to obey something which I have not written in the Constitution of India. और यूएनओ में मैंने यूएनओ से बात मानूंगा मैं, ऐसा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं किया हुआ है. दीस आर मियरली रिकमेंडेशंस, लिख लो अपने नोटबुक्स में. दीस आर मियरली रिकमेंडेशंस व्हिच डू नॉट हैव अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द कंट्री और द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया. ये लिख लिया सबने? यस कुणाल, दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट बिकॉज वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है. ओके, सेकेंड पार्ट सर, 1949 में, ओके, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 में, राइट, यू विल, हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने, वाज द पार्ट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला चलो ज्वाइन करेंगे कॉमनवेल्थ. क्या ज्वाइन करेंगे? कॉमनवेल्थ. कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज कंट्रीज विच वर एट एनी गिवन टाइम कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड. ओके, जो कभी भी किसी जमाने में इंग्लैंड के कॉलोनियल कॉलोनीज थी वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहलाया. जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला चलो कॉमनवेल्थ ज्वाइन करते. पूरा कंट्री परेशान हो गया, ये क्या कर रहे हो यार नेहरू जी, 250 साल के बाद तो गए ये लोग, तुम फिर कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर रहे हो. ओके, तो आर यू नॉट इनफ, नहीं हुआ ब्रिटिशर्स से, अब दोबारा ज्वाइन कर रहे हो उनको? तो नेहरू जी ने बोला हम अकेले पड़ जाएंगे, वी डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, दिस इज एन एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट. क्या वर्ड यूज करा? बोलो इसको जोर से कहीं पर बोलो, इट इज एन एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट. मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है. बाय ज्वाइनिंग द कॉमनवेल्थ मैं जब मर्जी इसको छोड़ सकता हूं विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, विदाउट एनी लाइबिलिटी. ये वर्ड लिख लो बोल्ड लेटर्स में, ज्वाइनिंग ऑफ कॉमनवेल्थ इज एन एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट. पिक्चर क्लियर? ओके, क्वेश्चन आएगा तुम्हें, ज्वाइनिंग ऑफ यूएनओ इज इट अफेक्टिंग योर सॉवरेनिटी? आंसर इज नो. Joining of Commonwealth, is it affecting your sovereignty? Answer is no. Picture clear? All okay? Cool. Absolutely. I hope everyone has copied this. Okay, साथ साथ में copy करते चले जाओ. Concentration सिर्फ इधर ही है, होना चाहिए. Okay, कहीं और ध्यान नहीं लगाना चाहिए, कहीं और एक सेकेंड भी मत देखो. ओके, अर्थक्वेक भी आ जाए तो रोक देना अभी के लिए. आदित्य, नो नो, इट इज नॉट बाइंडिंग. नथिंग इज बाइंडिंग, नथिंग 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 इज बाइंडिंग. हिंदुस्तान आजाद है. Okay, we are sovereign. ICJ तो ऐसे ही binding नहीं. Okay, International Court of Justice as it is not binding. Okay, let's go to the next part now. अब important question आ जाता है. Important question ये आ जाता है कि सर इंडिया तो sovereign है, ये तो आपने प्रूव कर दिया. अच्छा, कहाँ प्रूव किया my friends? ऐसे कैसे प्रूव हो गया? तुम इतना खुशी खुशी बोलने लगे इंडिया is sovereign. ऐसा थोड़ा इंडिया sovereign हो गया, right? इंडिया कैसे sovereign होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ इंडिया कैसे sovereign हुआ. Okay, listen to me my very carefully, this is top of material, get this point, get picture clear. Tum log azad kab hue? When did you become independent? You became independent on 15th August 1947, yes or no? Yes. And when did you have your constitution? Your constitution came into picture on 26 January 1950, yes. Tumhara constitution kab bana? 26 January 1950 ko. Tum independent kab hue? 15th August 1947 ko. To bhai is dauran to tumhare paas constitution hi nahi tha na. तुम्हारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था. यू डिड नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योरसेल्फ. ओ, कैसा कंट्री है तुम्हारा? यस और नो? यू आर हैविंग अ डोमिनियन स्टेटस या जो मर्जी, बट वेयर इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माय फ्रेंड्स? देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन. तुम कैसी कंट्री हो जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है? बताओ, 3 साल मजे हो गई. देयर इज नो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. यस और नो? एंड देयरफॉर
जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, सुनो मेरी बात, जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, अब भाई होप सबको याद है, राइट, विच गेव यू इंडिपेंडेंस, तो उसमें बोला गया दैट ड्यूरिंग दिस इंटरिम पीरियड, कौन सा पीरियड, 15th अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950, मतलब उनको नहीं मानता था 26 जनवरी, बट तब तक जब तक तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बनेगा तब तक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वेरी गुड संदीप, वेरी नाइस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी गुड कुलदीप, ओके, विल एक्ट एज द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये लाइन लिख लो बोल्ड लेटर्स में, बोल्ड इटालिक्स अंडरलाइन सब कर लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विल बिकम द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द पेंडेंसी ऑफ, जब तक तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया किसने, तुमने तो बनाया नहीं, ये बनाया है इंग्लैंड ने, यस और नो, ये इंग्लैंड ने बनाया। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 किसने बनाया, ये भी बनाया इंग्लैंड ने, और 26 जनवरी 1950 को जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया, ये किसने बनाया, ये बनाया हमने, यस और नो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमको ये डिक्लेयर भी तो करना है, वी हैव टू डिक्लेयर दिस टू द वर्ल्ड कि बेटा ये दिन खत्म, कौन से दिन खत्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, क्यों, क्योंकि तुमने अभी अभी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मेरे को क्या बोला कि सर इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री मतलब कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा व्हाइल आई एम मेकिंग माय लॉस। तो पहले कौन से लॉस थे, ध्यान से सुनते जाओ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तुम्हारे लॉस छोड़ना है, ये तो इंग्लैंड के लॉस है। अब मुझे पूरी दुनिया को चिल्ला के बोलना है दैट इंडिया इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर कंट्री, और ये मैंने चिल्ला के बोला मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन द लास्ट आर्टिकल 395, आर्टिकल 395 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियरली लिख दिया, दिस वॉज द लास्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लिखा दैट फ्रॉम टूडे, फ्रॉम विच डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ 26 जनवरी 1950, वी आर रिपीलिंग, रिपीलिंग मतलब वी आर रिमूविंग, टेकिंग आउट ऑफ द इफेक्ट बोथ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमने डिक्लेयर कर दिया दुनिया के सामने we are sovereign, are you understanding this part my friends, baat samajh mein aayi ya nahi, right, by the last article, article 395 of the constitution of india, india ne puri duniya ke samne declare kar diya ki I that the government of india act 1935 and the india independence act 1947 ko hum log repeal kar rahe hain, repeal matlab hum isko remove kar rahe hain, hum isko ineffective bana rahe hain, आज के बाद इंडिया सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, ओके, सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। 26 जनवरी 1950 को इसीलिए जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो हम पूरी दुनिया के सामने अपनी मिलिट्री पावर दिखाते हैं, ओके, पूरी दुनिया के सामने हमारे हेड ऑफ द स्टेट बैठते हैं, पूरी दुनिया को हम अनाउंस करते हैं कि ये हम एक सॉवरेन नेशन है, हम अपने आप को डिफेंड करना जानते हैं, and therefore we have declared our sovereignty, aur ye constitution of india, ye constitution of india ab kisi aur law, india independence act ya government of india act 1935 ko obey nahi karega, hum india khud apna law banayenge, khud apna constitution banayenge, are you understanding this part everyone, yes or no, any doubts ask me this, ye topper material hai my friends, baat samajhne ki koshish karo, everyone has understood, Shiv Shankar Kumar Saab is asking something, so preamble adopt 26 November 1949 but constitution of India 26 January 1949, but how, because preamble is a part of the constitution of India, Shiv Shankar ab thoda ye premature doubts hai tumhare, thode der mein aate hai ye sab, okay, everyone has understood this, okay, कॉमनवेल्थ एंड यूएन हैव डिफरेंट एक्स्ट्रा लीगल एग्रीमेंट, ऑब्वियसली ना बच्चे, हर्षित हाउ कॉमन सेंसिकल बेटा, कॉमनवेल्थ तुमने 1949 में ज्वाइन किया, कॉमनवेल्थ कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ओके, ऑलराइट, कैन वी गो टू द नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स, पहला वर्ड कौन सा हमने सेटल कर दिया, सॉवरेन, राइट, नाउ लिसन, अरे एक इंपॉर्टेंट बात तो रहेगी, और इंपॉर्टेंट बात यह है, सच में इंडिया सॉवरेन है ना, ये सुनो, अगर इंडिया सॉवरेन है तो इंडियंस भी सॉवरेन होंगे, ये सुनो फ्रेंड्स, तुम सॉवरेन हो, इंडियन सॉवरेन है, आर इंडियंस सॉवरेन, कमाल है ना, इंडिया इज सॉवरेन,
हाँ वेरी नाइस, तुम बड़े प्राउडली चिल्ला चिल्ला के बोलो कि इंडिया इज सॉवरेन सर, इंडिया इज सॉवरेन। व्हाट इज सॉवरेन? सॉवरेन मतलब सर हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं चलता, सर इंडियन सॉवरेन है ना। अच्छा अगर कोई तुम्हें से बोल रहा है ना यस, तो उसका मतलब है कि हाँ, मेरे ऊपर भी कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं चलता, तो कल मैं एक AK-47 लेता हूं, मैं सबको गोली मार देता हूं। यस और नो? वेरी नाइस अमन, वेरी ब्यूटिफुल। ऑलराइट, इंडिया इज, इंडियंस आर नॉट सॉवरेन ओके इन मोस्ट केसेस बिकॉज वी आर बाउंड बाय लॉ। वेरी गुड हरी, वेरी नाइस, इट इज बाउंड बाय लॉ। ओके नाउ बाउंड बाय लॉ का मतलब है मेरे ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस चलता है, बट ओनली वंस दैट आई एम कंप्लीटली सॉवरेन इज व्हेन आई एम डूइंग इलेक्शंस, व्हेन आई एम वोटिंग। उस टाइम इफ आई एम क्वालिफाइड एज अ वोटर, इफ आई एम क्वालिफाइड एज अ वोटर, मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं चलेगा। आई विल डू फ्री फेयर इलेक्शंस। इसको प्यार से बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफ्राज। सबको समझ में आया या नहीं? द ओनली टाइम एक इंडिविजुअल इंडियन सॉवरेन होता है इज व्हेन ही इज एक्सरसाइजिंग हिज वोटिंग राइट्स। ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना। इंडियंस आर ऑल्सो सॉवरेन, बट इंडियंस आर सॉवरेन व्हेन ओनली एंड ओनली व्हेन दे आर वोटिंग। तब तुम किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तुम मुझे रोक नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, SUFFRAGE। पिक्चर क्लियर? ऑल ओके? कॉपी कर लिया? यस एवरीवन, सब लोग कॉपी करते हुए चले जाएंगे, टाइम पास में ध्यान नहीं रहेगा। ओके सब लोग यहां पर ही सब पढ़ाई में ध्यान दोगे, कीप कॉपिंग, सोचते रहो क्लास चल रही है। ओके ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास कुछ नहीं होती, क्लास क्लास होती है। ऑलराइट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज हमने एक डील कर लिया, द वर्ड इज सॉवरेन। सबको क्लियर हो गया? ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड, इसको हम बाद में करेंगे जो इंदिरा गांधी मैडम ने लाया, पहले हम नेक्स्ट वर्ड करेंगे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिखा हुआ था डेमोक्रेटिक। बड़ी प्यारी डेफिनेशन लिंकन साहब ने दी थी, वही हम यूज करेंगे। डेमोक्रेसी इज वॉट? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट, बोलते रहो सब लोगों को मालूम है। ओके बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, दिस इज द वर्ड, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, यस और नो? इसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स दैट पीपल आर द वन हु विल चूज द डिसीजन ऑफ अ कंट्री। यस, अब ध्यान से सुनो, अब इसको फिर से देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। डेमोक्रेसी इज टू टाइप्स, डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स। ओके कहीं भी पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स। वन डेमोक्रेसी इज गवर्न, इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, द अदर वन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये है डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, ओके और पीपल खुद ही इस पर डिबेट एंड डिस्कशन करके डिसाइड कर देते, इसको बोलेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो कुछ भी सवाल है, ट्रिपल तलाक यू नो हमको बैन करना है कि नहीं, पीपल ने खुद ही डिबेट डिस्कस किया और डिसाइड करके छोड़ दिया, ऐसी तरह की डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी करते हैं। डू यू रियलाइज इट इज वेरी कॉमन सेंसिकल कि ये पॉसिबल ही नहीं है एक लार्ज कंट्री में, एक स्मॉल कंट्री में पॉसिबल है। तो आपको कैंटोनमेंट एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड में आपको ये दिखाई देगा, आपको कुछ ऐसी कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपको दिखाई जाएगा जहां रेफरेंडम या प्लेबिसाइट यूज होता है। ओके रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट यूज होता है। इंडिया में हमने ये वर्ड डाले ही नहीं। ओके हमने बोला छोड़ो ये सब वर्ड्स नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं यूज करेंगे, इनस्टेड हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब क्या सर? जो पीपल है ना वो खुद नहीं डिसाइड करेंगे, पीपल सिर्फ वोटिंग करेंगे, और वोटिंग वो फ्री फेयर एंड टाइमली करेंगे। मैंने क्या बोला? फ्री फेयर एंड टाइमली। इनमें से कोई भी वर्ड मिस किया तुम्हारे मार्क्स गए। इंडियन डेमोक्रेसी मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शंस। ओके फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शंस करके हम एक गवर्नमेंट बनवाएंगे, इन अदर वर्ड्स हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। क्या भेजेंगे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो सवाल है ना, जो क्वेश्चन है, वो पीपल नहीं डिसाइड करेंगे, ओके वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इन अदर वर्ड्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बात समझ में आई या नहीं? आई होप ये पिक्चर तो बड़ी सिंपल है, बट सबको समझ में आई या नहीं? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टिल नाउ? ऑलराइट गुड। तो हमने क्या प्रूव किया? इंडिया ने डिसाइड किया चलो करेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यस अब एक गड़बड़ है। ओके द गड़बड़ हियर इज
कि डेमोक्रेसी, बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा माय फ्रेंड्स, बिल्कुल टॉपर मटेरियल है, बिल्कुल बुद्धि खोल के साथ सुनो, डेमोक्रेसी एक्चुअली तो मेजोरिटी रूल है ना माय फ्रेंड्स, ये सुनो, जिसको ज्यादा वोट्स मिले, ओके, ज्यादा वोट्स मिले, ज्यादा उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई, वो गवर्नमेंट बना देगा, और जिसको कम वोट्स मिले, कम सीट्स मिले, वो तो बेचारा ऑपोजिशन में बैठे रहेगा, यस और नो, यस और नो, एवरीवन हैज अंडरस्टूड, यस, अब ध्यान से सुनो, ये बड़े मेजर गड़बड़ होने वाला है यहाँ पे, सो डेमोक्रेसी इज मेजोरिटी रूल, मेजोरिटी रूल में पीपल ने अगर वोट दे दिए तो तुम्हारे पास मेजोरिटी आ गई तो तुमने बना दी गवर्नमेंट, यस, और जिसको नहीं वोट मिला वो ऑपोजिशन में बैठे रहेगा, नाउ डू यू रियलाइज, प्लीज ध्यान से सुनना, तो मैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हूं, प्लीज ध्यान से सुनो मेरी बात, ओके, मैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हूं, ओके, सो मेरे पास पावर है आज, यस और नो, मैं थोड़ा इसको पावरफुल बनाता हूं, ओके, इसे दिखने में थोड़ा पावरफुल लगना चाहिए, ओके, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पावरफुल है, ओके, नाउ मैं कल एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाता हूं और मैं अपने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से एक डिसीजन लेता हूं, मैं बोलता हूं कल से मान के चलो इंडिया की बात कर रहा हूं, ओके, कल से मेन विल बी पेड 100 रुपीज पर आवर फॉर हार्ड वर्क, लेकिन फीमेल विल बी पेड ओनली 10 रुपीज पर आवर फॉर द सेम वर्क, मैं ये कर सकता हूं, कैन आई डू दिस कि आज के बाद मेल्स को डोमिनेंट जेंडर माना जाएगा एंड फीमेल्स को स्लेव बनाया जाएगा, ऐसा नहीं पास कर सकते क्या, क्यों, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, राजवीर बोला आर्टिकल 14 जुडिशरी, अरे जुडिशरी में तो कुछ पढ़े गए ना, ये सुनो मेरी बात सुनो, वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते जाओ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो तुम लोग, बड़े इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग, ओके, तुम लोग मेरे को बोल रहे हो, देखो तुम लोग सब लोग अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, कितने इंटेलिजेंट लोग हो तुम, बोल रहे हो सर फंडामेंटल राइट्स होते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट होता है सर, जुडिशियल रिव्यू होता है सर, तुम बोल रहे हो सर आर्टिकल 14 होता है, आर्टिकल 15 हो रहा है, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स, मुझे बड़ा प्यार आ रहा है तुम लोगों को, सब लोग सबको मालूम है, लेकिन मेरा बच्चे ये लिखा कहाँ है, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, यस और नो, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो तब आएगा ना जब तुम ये वर्ड ऐड करोगे, से द वर्ड इज रिपब्लिक, जिस दिन तुम रिपब्लिक बनोगे उस दिन तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, यस और नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो अगर मैं डेमोक्रेटिक हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बड़े खतरनाक पानी में जा रहे हो, यू आर गोइंग इनटू वेरी डेंजरस वाटर्स, अगर मैं सॉवरेन हूं और मैं डेमोक्रेटिक हूं और मैं ये वर्ड लिखू ही ना, ये मैं वर्ड हटा दू रिपब्लिक, तो तुम समझ सकते हो ये केओस हो जाएगा, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, वाई, because democratically government elected government will have unlimited powers, yes or no, और जो unlimited powers है वो बर्बाद कर सकता है, yes or no, उसको कौन रोकेगा ये बोलने से कि आज के बाद males ही super forces है, आज के बाद you know सारे के सारा एक ही religion follow किया जाएगा, आज के बाद कोई elections ही नहीं होगा, कुछ मर्जी बोल सकता है, hence my friends democracy can also become dictatorship by numbers, ye likh lo kahin deewaron pe, it can also become dictatorship by numbers, hathiyar ki zarurat nahi hai beta, kafi ho gaya, okay, isliye it is crucial ki main ye word wapas lau, kaun sa word, republic word aayega to tumhare paas constitution of india aayega, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री आएगा, दैट कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो वो इस अनलिमिटेड पावर्स को लिमिट में रखेगा, कौन सी लिमिट में रखेगा, लिमिट में वो रखेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बता रहा है कि बेटा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट उतना ही करो जितना हम अलाउ करते हैं, कौन अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं लेक्स रेक्स, क्या बोलते हैं इसको, लेक्स रेक्स, लेक्स रेक्स मीन्स law is the king of kings, क्या बोलते हैं इसको, law is the king of kings, ये law is the king of kings किसके कॉन्सेप्ट से आया है, from the concept of republic, are you understanding republic की contribution क्या है, republic की contribution is it provides lex rex,
Lex Rex says, law is the king of kings. कि बेटा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट तुम्हें जितना पावरफुल होना है हो जाओ, तुम उतना ही कर सकते हो जितना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ करेगा, तुम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बियॉन्ड नहीं जा सकते. Lex Rex is law is the king of kings. ये रूल ऑफ लॉ का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन विद रिपब्लिक इज दैट इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ Lex Rex. तो डेमोक्रेसी के बारे में मैंने क्या बोला? Democracy is government by the people, for the people and of the people. लेकिन ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, because it can lead to dictatorship by numbers. इसकी limit produce करने के लिए किसका काम है? इसकी limit देगी republic. Republic introduce करेगा concept of constitution. Constitution का concept is Lex Rex, that is law is the king of kings. इसको बोलते हैं supremacy of the law. ये prevent करेगा democratically elected government को dictatorship होने में, despotism से, तानाशाही से. Are you understanding? तो तुम्हारा जो बाजू में कंट्री है, ओके, तुम्हारा ये कंट्री है पाकिस्तान, ओके, कभी कभी ये डेमोक्रेटिकली रहता है, कभी कभी डेमोक्रेटिक नहीं रहता, यस और नो? लेकिन जब ये डेमोक्रेटिक नहीं भी रहता ना, तब भी ये रिपब्लिक रहता है. तुमने नोटिस किया, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, चाहे याह्या खान हो, चाहे जियाउल हक हो, चाहे अयूब खान हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी वहां पे रहा. इन अदर वर्ड्स, Lex Rex अभी भी है, इसलिए उसको बोलते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो तुम्हारा डेमोक्रेसी है या नहीं है, लेकिन रिपब्लिक जरूर है. बेटा समझ में आया? पढ़ना अब समझ में आया, हाउ टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ टू रीड अंडरस्टैंडिंग दिस पिक्चर. ओके, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है. ओके, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रिपब्लिक है, इसका ऑटोमेटिक मतलब है रिपब्लिक वो कभी भी रहता है. परवेज मुशर्रफ आ गया मिलिट्री डिस्प्यूट, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? जहां पे भी तुम्हें डिक्टेटरशिप दिखती है, वहां पर ये पिक्चर गायब हो जाती है. तो इसलिए वो बन जाता है नॉर्थ कोरिया. सबको समझ में आया? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? एनी डाउट स्टिल नाउ? आई गिव यू 30 सेकंड्स. एनीबॉडी हैज एनी स्पेसिफिक डाउट, प्लीज टाइम पास डाउट मत पूछना, स्टे विद इन द सब्जेक्ट. ग्रेट. रिपब्लिक का एक और कॉन्सेप्ट है, रिपब्लिक का एक और कॉन्सेप्ट है. Somebody is asking. Let me see. Republic is constitutionalism. Obviously, बेटा. अब इतना बताने के बाद इतना प्यारा सा वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? बट ब्यूटिफुल नेम राणा रण प्रताप सिंह राय, बिल्कुल रॉयल्टी. लव योर नेम ब्रदर, ब्यूटिफुल. ऑलराइट, आकाश सिंह, थैंक यू सर. पॉलिटी इज वेरी इजी विद यू सर. पॉलिटी इज वेरी इजी बेटा, पॉलिटी इज फन. जाकिर एंथनी इज आस्किंग समथिंग, लेट मी सी. सर, व्हाइल वोटिंग इंडियन सब्जेक्ट टू लॉ, वो सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ इज ओके, बट नोबडी कैन रिस्ट्रिक्ट मी. किशन इज आस्किंग, सर रिपब्लिक का एक्चुअल मीनिंग है क्या? रिपब्लिक का मतलब होता है दैट देयर इज समबडी बियॉन्ड द किंग. रिपब्लिक कॉन्सेप्ट तब आया था जब सीजर का रूल हुआ करता था, वो किंग आ गया था. तो हमें किंग इज नॉट लाइक, हमें किंग से नहीं सुनना, हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कानून से ऊंचा कुछ नहीं. राइट, देयर हैज टू बी नो वन अबव द लॉ. ओके, रिपब्लिक का हाउएवर एक और कॉन्सेप्ट है, और वो हमको इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग इंग्लैंड से निकल के आए थे. सोविक इज आस्किंग, सो भाई बड़ा चाइल्डिश क्वेश्चन है. ओके, फिर कभी इसको करेंगे. पीएमएस मेजोरिटी ऑफ पावर्स वगैरह वगैरह, राइट, प्लीज स्टे. नोबडी कैन बी बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. पीएम हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो. ओके, यस ब्रदर, काइंड ऑफ यू आर करेक्ट ऑन दिस पार्ट दैट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वैसे डेमोक्रेसी इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट, बट रिपब्लिक होना ज्यादा जरूरी है. ओके, रिपब्लिक विल संभाल के रखेंगे. अच्छा, बाय द वे, मैं तुम सब लोगों को एक सजेशन दे देता हूँ, ऑल ऑफ यू. So, कुछ लोगों के डाउट्स देखते टाइम ना मुझे ऐसा टाइप का विश्वास हो गया कि तुम लोगों को
कुछ लोग हो, नॉट ऑलवेज, सम ऑफ यू आर वेरी ऑलरेडी प्रीटी मच ट्रेन्ड ऑन दिस पार्ट, बट हो सकता है तुम्हें साइंस एंड टेक वगैरह या फिर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो वगैरह वगैरह हो, यू वांट टू पास दिस एग्जाम, गेट योर बेसिक्स करेक्ट. और बेसिक्स करेक्ट होने का मतलब है ये तुम्हें खुद को पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो. जैसे कोई हमारे फ्रेंड यहाँ पे पूछ रहे सर डिक्टेटरशिप क्या होता है, तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ओके, सो आई वुड सजेस्ट अपना अपना लेवल देख लो, 6th से लेकर 12th तक ओके आर अवेलेबल द एंटायर एनसीईआरटी. मेरी बात प्लीज ध्यान सुनो. देखो इसमें कोई शर्म नहीं होती, मुझे आते नहीं समझ में आया इसमें शर्म की बात क्या होती है. सबसे पहले तो तुम पब्लिक में खड़े होकर तो पढ़ नहीं रहे हो, ओके, कि पूरी दुनिया देख रही है, देखो जी ये तो डॉक्टर है, यू नो एनसीईआरटी पढ़ रहा है. पहली बात तो ये बचपन वाले बातें छोड़ दो, ओके. दूसरी बात है, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ या क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, ओके. मुझे पढ़ना है, मसूरी पहुंचना है मुझे, आर यू अंडरस्टैंडिंग. तो टाइम पास करना बंद करो. अगर तुम्हारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, 6% पढ़ना स्टार्ट करो. 3 दिन में पढ़ लोगे, ओके. 7th को 3 दिन में पढ़ लोगे, 8th को 3 दिन में पढ़ोगे, 9th, 10th, 11th, 12th एक एक हफ्ता लग जाएगा मैक्सिमम, ओके. बाय दिस टाइम राइट, और पैरेलली मेरा कोर्स चल रहा है, तुम्हारा पैरेलली बहुत कुछ हो जाएगा. अब ये वो वाली बात है कि मैं तुमसे मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करूं, ओके, और मुझे पहला ही फॉर्मूला मुझे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ही ना मालूम हो, और मैं बोलूं भाई मेरे को बताओ क्वांटम या पता नहीं कौन कौन से मैथ्स होते, तो तुम बोलोगे ना सर जाके प्लीज यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy पढ़ के आओ. दिस इज वेरी सिमिलर टू मैथ्स, ओके. तुम्हें पहले पॉलिटी के बेसिक्स मालूम होने चाहिए, क्विकली एनसीईआरटी पढ़ो. और एनसीईआरटी पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इतनी सिंपल लैंग्वेज में होती है, ओके. इट्स अ सिंपल लैंग्वेज होती है बिकॉज 6th के बच्चे के लिए लिखी हुई है, तो तुम तो चैंपियंस हो, ओके. तो यू कैन रीड इट वेरी फास्ट, आई वुड सजेस्ट दिस. और इसमें कोई गलत फहमी होने की जरूरत ही नहीं है. When, you know, मुझे अगर तुम लोग you know, for that matter, economics पढ़ने को बोलोगे तो मैं एनसीईआरटी 6th की अगर 3rd की होगी तो भी मैं पढ़ूंगा, okay? मुझे इकोनॉमिक्स आता ही नहीं, you understand? तो मैं तो जाके पढ़ लूंगा. Alright? So it is always better that you start reading NCERT. मेरा प्लान हमेशा लाइफ में ये होता है, whatever takes me to the journey, whatever takes me to my manzil should be done. Okay? मुझे 6th पढ़ना है, 6th पढ़ना है, okay? मुझे फर्स्ट क्लास की बुक पढ़नी है तो मैं फर्स्ट क्लास की बुक पढ़ना है. मुझे कोई मकसद नहीं, मेरा फंडास क्लियर होने चाहिए, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, उसके लिए मुझे PhD की बुक पढ़नी है, मैं PhD की बुक पढ़ना है. और अगर थर्ड स्टैंडर्ड की बुक पढ़नी है तो थर्ड स्टैंडर्ड की. सो अपने अपने बेसिक्स देख लो, बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट. कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे ऊपर से रफेल फाइटर प्लेन चलने लग गया, तुम्हें पता ही ना चल कि ग्लाइडर क्या होता है, ओके. सो थोड़ा सा ध्यान से ताकि मजा आए, ओके, दैट इज द फन ऑफ इट, ओके. गेट इंटरेस्टेड, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेलकम नीलम, हाउ आर यू? ऑलराइट, फेयर एनफ. कैन यू स्टार्ट दिस? अब ये आ रहा है आशीष साहब, इज आस्किंग समथिंग. There was a case of Italian marines or USA enforcing sanctions over Iran affecting India as well. मर्जी है, you have to, किसी के कहने से मेरे ऊपर sanction लगता है, sanction लगाना उनका फर्ज है, okay? मैं उनके sanction मानू या ना मानू. Shraddha, you are going very far ahead, okay? Please stay within the topic, absolutely stay within the topic. I will not entertain any past or future questions. Head of the state is elected by people is the correct definition of the republic. Beautiful, Naina, this is exactly part over here. Sir, is it extremely necessary to have read Lakshmikant or NCERT is enough? Lakshmikant is a textbook, you want to read it, but NCERT, 100% you must read. NCERT has to be read, okay? Has to be read. Lakshmikant, stage 2, agar tumhare paas time hai, nahi padhne ka man kar raha, Lakshmikant nahi padhna hai, but pehle NCERT padh lo, uske baad apne aap tumhe desire hoegi ki main thoda sa aur padh leta hu, okay? Abhi ke liye pehle NCERT padh lo, because sometimes doubts itne jyada ho jate that people do not know, understand anything. Poonam, there must be some technical error. Okay. So please, how am I saying? वो बेचारी को सुनाई नहीं दे रहे. Please help Poonam, friends, if you can suggest. All right. Sir, ICJ judgment are not binding, so Pak can deny consular access to India. And if this is the case, what is the point to have it? Correct? There's no point. We are just making a political statement, Kuldi. Okay. तुमने देखा नहीं था पाकिस्तान की अगले दिन की हेडलाइंस क्या थी? पाकिस्तान ने क्या बोला था? We will give consular access to them according to our laws. ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी. कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर. श्रद्धा प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास लाइक दिस स्टार्टिंग आस्किंग डाउट्स प्लीज. ओके, ऐसे ऐसे मत पूछो प्लीज. मैं तुम्हें सब पढ़ा दूंगा. ओके, जस्ट स्टिक टू द टॉपिक. जितना मैंने पढ़ाया डाउट्स उसी में से लूंगा मैं. ऑलराइट, नाउ लिसन एवरीवन, कंसंट्रेट. नाउ लिसन, अबे हमने वर्ड्स कर लिए सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक. रिपब्लिक के दो कॉन्ट्रीब्यूशन से, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्स रेक्स. एक और पार्ट था रिपब्लिक का, एक और कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक का. एक और कॉन्सेप्ट इज व्हाट, व्हाट इज अदर, कि द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, व्हाट डिड आई से, द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया शैल बी एन इलेक्टेड मेंबर और एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. सर इतना इसको इतना एम्फेसाइज करने की जरूरत क्या? सर इसको एम्फेसाइज इसलिए करने की जरूरत है बिकॉज हम लोग इंग्लैंड को कॉपी कर रहे थे और इंग्लैंड में जो हेड ऑफ द स्टेट है, ओके, ही इज अ डायनास्ट, ही इज अ डायनास्ट. इन अदर वर्ड्स, वो एक फैमिली को बिलोंग करता है. तो हाउस ऑफ विंडसर कंटिन्यू कर रहा है,
तो आज क्वीन एलिजाबेथ है, कल उनके बाद खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो प्रिंस चार्ल्स हो जाएंगे. बट इन इंडिया एवरीवन, फॉर एवरीवन पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन. किसी भी फैमिली के ऊपर, किसी भी फैमिली, किसी भी सरनेम, किसी भी डायनेस्टी के लिए कोई भी पब्लिक ऑफिस रिजर्व्ड नहीं हो सकता. इससे फायदा क्या होता है सर? सर इससे फायदा यह होता है कि सोर्स ऑफ पावर हमेशा पीपल के पास रहती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई आंसर देता नहीं है ये. ओके, सब चिल्लाते रहते सर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हेड ऑफ द स्टेट इज, भाई तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि पीपल हमेशा कंट्रोल करेंगे. तुम्हें बार बार पावर लेने के लिए इस कुएं के पास जाना पड़ेगा. इस कुएं का नाम इज पीपल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू कैन नॉट टेक द पावर फॉर ग्रांटेड. जैसे द क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने लिया हुआ है कि भाई मैं जीऊंगी मरूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं, माय प्रिंस चार्ल्स मेरा बेटा अपने आप बन जाएगा. नो, ये इंडिया में नहीं पॉसिबल है बेटा. एवरी टाइम तुम्हें पास जाना पड़ेगा वी द पीपल के पास. हेंस रिपब्लिक के दो कॉन्सेप्ट, वन, दो ही आंसरेबिलिटीज है. एक पब्लिक के पास जाकर जवाब मांगो, जवाब दो, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जवाब दो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वन इज लेक्स रेक्स, द अदर वन इज हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड. समझने की कोशिश करो, इन वर्ड्स के पीछे का इन्फ्लुएंस समझो. ओके, इससे मेमोराइजेशन के लिए नहीं है, समझो कि ये वर्ड्स क्यों लिखे गए, ताकि कोई सीजर ना बन सके, कोई तानाशाह ना बन सके, कोई शाह, कोई मुगल एम्परर नहीं है, राइट, कोई क्वीन ऑफ इंग्लैंड नहीं है. तुम जितने मर्जी पावरफुल हो, 5 साल के बाद तुमको जनता के दरबार में आना पड़ेगा. वी आर द पावर, दिस इज सोर्स ऑफ पावर इज पीपल. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई फ्रेंड्स? बात समझे, देन यू अंडरस्टैंड द अंडरलाइन सीक्वेंस ऑफ दिस एंटायर थिंग, राइट. सो ये सारी स्टोरी इसलिए वी द पीपल पे है. ओके, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है माई फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग वाइज, राइट. Please refrain from such questions, right? I'm not entertaining such questions, please, right? Now listen. So now is sovereign, democratic, republic, okay? Now, two words, socialist and secular, okay? Socialist and secular are the two words that were added. In fact, teen the, lekin the two words that were added in the original part was socialist and secular. Ab socialism kya hota hai? Socialism ko agar main dekhun, main please meri baat dhyan suno. So, 1976 में मैडम इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास किया, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये वर्ड डाल दिया सोशलिस्ट. नाउ मुझे ये प्रॉब्लम है कि अगर ये वर्ड 1976 में डाला तो 1950 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये वर्ड यूज किया करना चाहिए था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये वर्ड क्यों नहीं यूज किया? डॉक्टर अंबेडकर भूल गए थे क्या सोशलिज्म वर्ड यूज करना? या फिर बिटवीन 1950 टू 1976 हम लोग सोशलिस्ट थे ही नहीं? हम सोशलिस्ट थे कि नहीं थे? द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म डिफर्ड, यस, इन अ वे करेक्ट है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हम लोग सोशलिस्ट थे, लेकिन अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो. सोशलिज्म को अगर मैं 1950 में सुनू, मैं 1950 में अगर मैं सोशलिज्म वर्ड किसी को भी बोलता ना, दुनिया में किसी को भी बोलता, हम सोशलिस्ट थे, तो हमको लगता कि हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की बात कर रहे. किसकी बात करते? मार्क्सिस्ट सोशलिज्म. मार्क्सिस्ट सोशलिज्म में जो कम्युनिज्म वगैरह कंट्रीज में थी, दुनिया को यह लगता कि मैं जब अगर सोशलिस्ट वर्ड यूज करता 1950 में, तो मुझे दुनिया को यह बताना पड़ता या दुनिया को यह लगता दैट आई एम अ मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट कंट्री. अब मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या होता है? मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का मतलब, ओके, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का मतलब है कि रिसोर्सेज जो स्टेट के है वो सारे के सारे कंट्रोल ऑफ द स्टेट में है. सो सपोज स्टेट के पास 100 रुपया है, ओके, तो ये 100 रुपीज, ओके, स्टेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. 100 लोग है, 100 पीपल है, 100 पीपल 100 रुपीज को इंडिविजुअली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ये होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म. तो क्या इंडिया में मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है? नहीं है. मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्यों नहीं है? मार्क्सिस्ट सोशलिज्म होता तो मेरे पास भी अंबानी जितना पैसा होता, यस सर, लेकिन मेरे पास अंबानी जितना पैसा नहीं है. इसका मतलब है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म तो इंडिया में नहीं है. तो इंडिया में क्या है? इंडिया में प्राइमरली गांधीयन सोशलिज्म है. क्या है? गांधीयन सोशलिज्म. व्हाट इज गांधीयन सोशलिज्म? गांधीयन सोशलिज्म बोलता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, एक तो कमेंट्स पे ध्यान चढ़ा हटा दो, ओके, पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन नहीं देखना प्लीज थोड़ी देर के लिए. गांधीयन सोशलिज्म का मतलब होता है मैं रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा इक्वली. मैं 100 रुपया जो है ना, इसको इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. मैं अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिसोर्सेस
इसको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करूंगा, यानी कि मिस्टर सिद्धार्थ मैं आपको अंबानी जितना 5 लाख करोड़ नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दूंगा टू अर्न 5 लाख करोड़। मैं आपको अंबानी बनने का मौका इक्वली दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी और सोशलिज्म इज अ मिक्सचर ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, बट 90% ऑफ दैट इज गांधियन सोशलिज्म। इसका मतलब इंडिया हैज इट्स ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। क्या मैं बोलता हूं? इंडिया हैज इट्स ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। लेकिन अगर मैं 1950 में किसको बोल देता दुनिया में, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देता सोशलिस्ट, तो दुनिया को मैं समझा ना पाता कि मेरी अपनी ही डेफिनेशन है, ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं है, इट इज प्राइमरली गांधियन सोशलिज्म। इसीलिए दुनिया में कंफ्यूजन हो जाती कि हम शायद कम्युनिस्ट हो गए, हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म फॉलो करें। टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन डॉक्टर अंबेडकर ने ये वर्ड डाला ही नहीं, एंड इंस्टेड ऑफ दैट द ग्रेट डॉक्टर अंबेडकर ने ये वर्ड की जगह, सोशलिस्ट वर्ड यूज करने की जगह, ही डिसाइडेड टू यूज द वर्ड ऑफ डिस्क्राइबिंग आवर सोशलिज्म इन द वर्ड्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो हमने अपने प्रियम्बल में हमारी डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म एक्सप्लेन कर दी है विदाउट राइटिंग द वर्ड सोशलिस्ट। बात समझ में आई या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यू आर डीलिंग विद अ जीनियस कॉल्ड डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर अगर सोशलिस्ट लिख देते कंफ्यूजन रहता, ओके? हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड सोशलिस्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने उसको समझा दिया इन द वर्ड्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। पिक्चर क्लियर और नॉट? एनी डाउट्स नाउ? आई गिव यू 30 seconds, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी नाउ। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? एब्सोल्यूटली, दिस शुड बी 100% क्लियर। ब्यूटिफुल, ओके। आई थिंक श्रद्धा इज आस्किंग समथिंग। श्रद्धा विल आंसर दिस क्वेश्चन एट अ लेटर स्टेज। Shira, why is it named Gandhian socialism? Beautiful question, Shira. I hope you understand because Gandhi proposed it. That was a lovely question. Okay. All right. Thank you, Akash. Surya is asking, what was the political motive behind adding socialism? Arre, this is the question, Surya. Thank you for asking me this question. कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये काम कर दिया था तो why did Mrs. Indira Gandhi decide to write the word socialist? Okay. Thank you. I think Chachika is also asking the same thing. Okay. This was merely a political statement. ये लिख लो please. Okay, ये question आता है. What was, please write this exactly as I'm telling you. The 42nd Constitutional Amendment Act 1976 added the word socialist. What is the constitutional significance of it? The constitutional significance of it is zero. Okay, it was merely a political statement. ये लिख लो. Are you understanding this part? Friends, all is clear? Yes or no? At least tell me yes or no. I don't want any other comment. Yes or no? Yes? All right. So, Mrs. Indira Gandhi only wanted to make a political statement. Iska constitutional significance kuch nahi hai because Dr. Ambedkar ne isko already explain kar diya tha. All okay? Chalai, next point. Okay. Charchika, I think we have answered your question also in this part. Okay. Ab ek aur word. मैडम इंदिरा गांधी ने एक और वर्ड यूज किया और वो वर्ड किया सेक्युलर। प्लीज ध्यान से सुनो, सेक्युलर 1950 में डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों नहीं यूज किया? ओके, क्या इसका मतलब है? बिटवीन 1950 टू 1976 इंडिया सेक्युलर नहीं था, ऐसा क्वेश्चन था? सेम मैं वैसे ही पूछ रहा हूं जैसे मैं सोशलिस्ट का पूछा। नहीं ब्रदर, हम सेक्युलर थे। वेरी नाइस संदीप, वेरी गुड। दिस वॉज बिकॉज अगेन आई वॉन्टेड टू अवॉइड अ कंफ्यूजन। मैं फिर कंफ्यूजन? सर कौन सा कंफ्यूजन है बेटा? अगर 1950 में मैं तुम्हें सेक्युलर वर्ड यूज करता ना, अगर मैं 1950 में तुम्हें सेक्युलर वर्ड यूज करता ना, तो तुम सब लोगों को सुनाई देता वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। क्या सुनाई देता? वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। प्लीज बात समझो। ओके,
ना ये लोग मेमोराइज कर लेते हैं, ओके, मालूम नहीं पड़ता लोगों की वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। वेस्टर्न सेक्युलर का मतलब होता है, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, पहले समझो इस बात को। सबो दो हस्बैंड है, एक एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ओके। ये एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाए, देखो क्या कहां से बात कहां जाती है, तो है ना, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाए, क्या बात कर रहे हो शैलेश, उसको आई डोंट नो, प्लीज हेल्प शैलेश आल्सो, ओके। सो नाउ हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाए तो हस्बैंड को क्या इस बात से मतलब है कि वाइफ क्या कर रही है अब? नो, ये सुनो, उसी तरह से एक दिन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन वेस्टर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टेट और रिलीजन मिलके राज किया करते थे, ओके। अगर तुम्हें मेडिवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत मालूम है तो चर्च की अपनी आर्मी भी हुआ करती थी, आई डोंट नो व्हेदर यू नो दिस। हरी, आई एम सेइंग हस्बैंड एंड वाइफ गॉट डिवोर्स्ड, ओके, इफ हस्बैंड एंड वाइफ गेट डिवोर्स्ड द हस्बैंड इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द वाइफ, द वाइफ इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द हस्बैंड एट ऑल, ऑलराइट, दिस इज हाउ नॉर्मली थिंग्स हैपन। नाउ इफ आई लुक एट द हिस्ट्री, अगर मैं हिस्ट्री में देखूं, देन द स्टेट एंड द रिलीजन वर पार्टनर्स व्हाइल रूलिंग अ कंट्री, ओके, स्टेट का और रिलीजन का एक दिन डिवोर्स हो गया, आर यू अंडरस्टैंडिंग, स्टेट का डिवोर्स हो गया, स्टेट अपने रास्ते एंड रिलीजन अपने रास्ते, नाउ स्टेट अपना दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है, इट हैज शट इट्स डोर्स, रिलीजन कैन नॉट इंटरफेयर इन द स्टेट, स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द चर्च, आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस, इट वाज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग। नाउ चर्च के पीछे, नहीं मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो माय फ्रेंड्स, ओके, चर्च के अंदर अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल जहां पर यह कॉन्सेप्ट है, राइट, ये वेस्टर्न डेफिनेशन है, चर्च के अंदर एक दिन बोला जाता है मैन ही हेड प्रीस्ट होगा, ओके, फीमेल कभी हेड प्रीस्ट नहीं होगी, पादरी नहीं बनेगी, तो स्टेट को मालूम है कि यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यस और नो, लेकिन स्टेट कुछ नहीं बोलेगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस स्टोरी फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये है इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, बाकी सब मेमोराइजेशन चल रही है, ओके, बाकी रट्टू वाली बातें होती है, स्टेट कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन माय फ्रेंड्स ऐसे कोशिश करना मत इंडिया में, तुमने सबरीमाला देखा क्या, यस और नो, सबरीमाला में तुम्हारे वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अचानक स्टेट भाग कर आ गया, यस और नो, सो इन इंडिया द स्टेट और रिलीजन के बीच में डिवोर्स नहीं है, आर यू अंडरस्टैंडिंग द रियल डिफरेंस, ऑलराइट, बाकी सब थ्योरेटिकल डिफरेंसेस होते हैं, अंडरस्टैंड दिस। सो 1976 में, ओके, 1950 में, अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर को बोलूं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब आप प्लीज सेक्युलर वर्ड लिख दो, तो डॉक्टर अंबेडकर मुझे बोलते बेटा सिद्धार्थ, अगर मैंने लिख दिया सेक्युलर तो पूरी दुनिया को लगेगा इंडिया में वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म है, ओके, और इंडिया में तो ऐसी डेफिनेशन नहीं है। तो मैंने डॉक्टर अंबेडकर से पूछा, सर फिर आप बताइए हमारी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज आवर डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सेक्युलर, तो डॉक्टर अंबेडकर ने बोला समझो ये है इंडिया का स्टेट, ओके, ये इंडिया का स्टेट है, इंडिया का स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं, ओके, we don't have a state religion, but we are also not anti-religion. मैंने क्या बोला? We are also not anti-religion. मतलब क्या सर? मतलब मैं तुमको religion follow करने से मना भी नहीं कर रहा हूँ, और मेरा अपना religion भी नहीं है. In other words, मैं कोई हिंदू republic नहीं हूँ, मैं जैन republic नहीं हूँ, मैं इस्लामिक republic नहीं हूँ, मैं कोई republic नहीं हूँ, मैं सिर्फ state हूँ. मैंने कहा okay सर. फिर मैंने कहा state बोलता है बेटा हिंदू, आप हिंदुइज्म follow करना है, आप हिंदुइज्म follow करो. बेटा मुस्लिम, आपको मुस्लिम इस्लाम फॉलो करना है, इस्लाम फॉलो करो. क्रिश्चियन साहब, आपको जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है, सिख साहब, आप सिख रिलीजन फॉलो करो. जैन साहब, आप जैन रिलीजन फॉलो करो. बुद्धिज्म, आप बुद्धिज्म फॉलो करो. आपको जो रिलीजन फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं. इन अदर वर्ड्स, आई एम एम्बीवैलेंट. से द वर्ड, व्हाट एम आई? आई एम एम्बीवैलेंट. एम्बीवैलेंस मतलब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ओके, आई एम इनडिफरेंट. इंग्लिश लैंग्वेज में आई एम इनडिफरेंट, ओके, आई डोंट केयर. तुम्हें हिंदुइज्म फॉलो करना हिंदुइज्म करो, इस्लाम फॉलो करना इस्लाम फॉलो करो, क्रिश्चियनिटी फॉलो करना नहीं करना है ना करो, आई डोंट केयर. बट अब ये तो सर डिवोर्स हो गया ना, हस्बैंड वाइफ भी तो ऐसे ही थे ना, ये सुनो, ओके, वो भी तो बोले थे वाइफ तेरा डिवोर्स हो गया, जहां जाना जाओ, ओके, वाइफ भी बोलेगी हस्बैंड साहब जहां जाना जाओ, राइट, ये तो डिवोर्स हो गया. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं जागा हुआ हूं. अगर तुमने रिलीजन के नाम पे कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी करी, कोई पब्लिक ऑर्डर में प्रॉब्लम करी, या फिर किसी और के रिलीजन को डिस्टर्ब किया,
तो मैं अचानक जाग जाऊंगा एंड आई विल पनिश यू. इन अदर वर्ड्स आई एम हैविंग वॉचफुल एम्बिवेलेंस. मैंने क्या बोला? आई एम हैविंग वॉचफुल एम्बिवेलेंस. मेरा तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ हुआ है, मेरी नजरें खुली हुई है, बट मैं ध्यान मैं इनडिफरेंट हूं, राइट? बट मैं तब जागूंगा जब तुम अपने रिलीजन की आड़ में, इन द कवर ऑफ रिलीजन, यू ट्राई टू मिस अप विद द एंटी नेशनल एक्टिविटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, यू हर्ट द रिलीजियस सेंटीमेंट्स ऑफ अनदर रिलीजन, यू ट्राई एंड डिस्टर्ब एनी अदर रिलीजन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. इन अदर वर्ड्स आई एम वॉचफुली एम्बिवेलेंट. दिस इज माई ओन डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सेक्युलरिज्म. पिक्चर क्लियर और नॉट? So Dr. Ambedkar wanted to avoid confusion. Which confusion? The confusion that could have been if I would have written the word secular. मैं किस-किस को जाके समझाता कि ये मेरी Western definition नहीं है. Are you understanding? मेरी definition मेरी own brand of secularism है. Therefore Dr. Ambedkar ने ये word लिखा ही नहीं. Okay? उन्होंने ये लिखा ही नहीं. तो सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी secularism क्या है? हमारी सेक्युलरिज्म इज जाने का चलेगा, ये इतने सारे डाउट्स में पता नहीं कहां चला गया. ओके, मैं यहीं पर लिख देता हूं, चुप गायब हो गए. मैं यहां पर हमारी डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इज व्हाट, हमारी डेफिनेशन इसके नीचे लिखी हुई है, दैट इज लिबर्टी ऑफ, याद है तुम्हें, थॉट, एक्सप्रेशन. लेकिन हमारा सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्या है? लिबर्टी ऑफ बिलीफ, faith and worship. What a beautiful and genius man was this. Okay, Dr. Ambedkar ne secular word likha nahi, usko describe kar diya with the words liberty of belief, faith and worship. Awesome man, this is a huge man. All right, and Mrs. Gandhi, aapne kyun likh diya fir 42nd constitutional amendment act 1976 mein? Madam Indira Gandhi ne ye likha with only one motive, to make a political statement. फिर से, so sir क्या है इसका constitutional significance? कुछ नहीं है sir इसका constitutional significance. इसका constitutional significance is a big zero. It is only a political statement. Are you understanding this fact? बात समझ में आया या नहीं? Picture clear? Anyone has any doubts? Ask me now. This should be 100% rock solid. मेरे students होने के नाते तुम्हारा फर्ज है ये, okay? मेरी इज्जत रखना, okay? When you go for the exam, hit the exam hard, okay? उसे भी पता चले examiner को कि हमें सब समझ में आ गया, ये सब चक्कर है. Alright, beautiful. तो ये हो गया हमारे word sovereign, socialist, secular, democratic, republic. अब मैं इसको continue करूँ, okay? So now इसके आगे वो part एक slide गायब हो गई है, मेरे को लग रहा है. तो हमने यहाँ पे लिखा sovereign, socialist, secular, democratic, republic. आगे चलते हैं. तो यहां पे लाइन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये अच्छा, ये तुम्हारा होमवर्क है, ओके? ये मेमोराइज करना स्टार्ट कर दो तुम्हारा प्रीएम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेड वर्ड सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंटिन्यू एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस. ये क्या मैंने बोला? सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस. पहली लाइन, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. बेटा अगर मैं एक बात बोलू ना तुमसे, तो ये जस्टिस ना बहुत बड़ा वर्ड होता है माय फ्रेंड्स, ओके? प्लीज समझो, जो जस्टिस वर्ड है ना, देखा जाए तो पूरी दुनिया में अगर हमें किसी से भी कुछ भी चाहिए ना, चाहे वो वर्ल्ड में हो, चाहे घर में हो, चाहे सोसाइटी में हो ना, न्याय, इंसाफ, जस्टिस, जस्टिस इज द एपिटोम ऑफ अ सिविलाइज सोसाइटी. वर्ड क्या मैंने बोला? जस्टिस इज द एपिटोम ऑफ अ सिविलाइज सोसाइटी. हमें सबसे से न्याय चाहिए घर में, ओके? बेटा, सन एंड डॉटर को इक्वली ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये सुनो, दिस इज जस्टिस, ओके? अमीर को, गरीब को, रिच और पुअर को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, जस्टिस. यू अंडरस्टैंड? किसी को भी यू नो अननेसेसरी हैरेसमेंट या उसको कन्विक्शन या जेल में विदाउट प्रोसीजर फॉलोड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, जस्टिस. तुम नोटिस करो, जस्टिस इज द हाईएस्ट पीक. मुझे सबसे सिर्फ जस्टिस की उम्मीद है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जस्टिस की उम्मीद है, मुझे गवर्नमेंट से जस्टिस की उम्मीद है, मुझे दुनिया से, मुझे अपने पापा से, मुझे अपनी मम्मी से, मुझे फैमिली से सबसे जस्टिस की. ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज, व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर यूज द वर्ड जस्टिस पहले एंड लेटर ऑन रेस्ट ऑफ द थिंग्स? बिकॉज जस्टिस इज द फाइनल एपिटोम ऑफ अ सिविलाइज सोसाइटी. तो मैं क्वेश्चन आ गया ना माय फ्रेंड, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो जोर जोर से चिल्ला के आंसर लिख देना, बिकॉज यू विल बी द ओनली पीपल हु विल आंसर दिस. सोचो तो सही, क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने जस्टिस पहले वर्ड यूज किया?
ओके, और यही हमारा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का बेसिस है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का बेसिस क्या है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये क्वेश्चन का आंसर लिख लो। जस्टिस इज द एपिटोम ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। वी हैव एनफोर्स्ड दिस बाय पासिंग और मेकिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स? जाग गए हो, थक गए हो, सो गए हो, परेशान तो नहीं हो गए? ज्यादा तो नहीं हो गया? ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू टॉप दिस एग्जाम, इसलिए मैं तुमको बिल्कुल टॉप ऑफ मटेरियल बता रहा हूं। ओके, मेरे को उम्मीद ही नहीं है तुम लोगों से कि तुम लोग सिर्फ पास हो जाओगे, मुझे सब रैंक होल्डर्स चाहिए, फिर तुम मुझे आकर थैंक यू का कार्ड देना। ओके, सो विदाउट विच रिपीट विच है। ओके, रिपीटेशन इज जस्टिस इज द फाइनल एम। मुझे जस्टिस अचीव करना है और जस्टिस अचीव करने के लिए मैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पास करता हूँ। क्लियर ऑन दिस? ऑल ओके, अब ये हो गया जस्टिस, राइट? अब नेक्स्ट वर्ड्स मैंने आपको ऐसे ऑलरेडी बताई दिए। ओके, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वेंट रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। उसके बाद है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। तो अब मेरे को ना मेक मी प्राउड प्लीज। ओके, थॉट एक्सप्रेशन तो बाद में बताता हूँ, बिलीफ फेथ एंड वर्शिप मेरे क्या स्पिरिट इंडिकेट कर रहा है जल्दी बोलो। बिलीफ फेथ एंड वर्शिप क्या स्पिरिट इंडिकेट कर रहा है? लवली, लव यू गाइस, सेक्युलर, ब्यूटिफुल। और थॉट एंड एक्सप्रेशन मैं कहां प्रमोट कर रहा हूं? थॉट एंड एक्सप्रेशन मैंने फ्रीडम राइट्स में दिया। ओके, ये भी मेरे फंडामेंटल राइट्स में। ओके, आर्टिकल 19 सारा का सारा मेरा थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, राइट? और यहां पर एक बड़ा अजीब क्वेश्चन आ जाता है। ओके, बड़ा खतरनाक डेंजरस क्वेश्चन हो जाता है। सर ये लिबर्टी क्या है? सर ये लिबर्टी और फ्रीडम में फर्क क्या है? क्या दोनों सेम है? ओ, कैसे कैसे मतलब परेशान करके रखा हुआ इन लोगों ने, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। बेटा फ्रीडम और लिबर्टी में बड़ा फर्क होता है। ओके, व्हाट इज लिबर्टी एंड व्हाट इज फ्रीडम? ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ लिबर्टी ना माय फ्रेंड्स, प्लीज समझो इस बात को। ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ लिबर्टी, जस्ट वन सेकंड, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ लिबर्टी ना माय फ्रेंड्स, लिबर्टी इज अ इनहेरेंट राइट ऑफ माइन। ओके, मेरी बात प्लीज ध्यान सुनो, इट इज एन इनहेरेंट राइट। मतलब क्या सर? ऐसे ऐसे वर्ड्स मत यूज करा करो। अच्छा, नहीं यूज करते, सुनो, मैं पैदा हुआ था ना तब से मैं लिबर्टी में हूं, ये मेरा इनहेरेंट राइट है। इसलिए न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ओके, स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्रीडम होता है ना वो मुझे कोई देता है, लिबर्टी में लेकर पैदा होता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो मेरी बात समझो, लिबर्टी में लेकर पैदा होता हूं, फ्रीडम तुम मुझे देते हो, राइट? फ्रीडम में तुम मुझे कुछ दोगे, फ्रीडम कुछ बोलोगे नहीं बेटा नहीं देंगे। लिबर्टी इज एन इनहेरेंट टेंडेंसी। ओके, ये हरि, आई एम रिपीटिंग दिस, लिबर्टी इज एन इनहेरेंट राइट, राइट? आई वाज बोर्न विद लिबर्टी, और आई शुड हैव, दिस इज माय, एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। ओके, इट इज इननेट राइट टू मी। फ्रीडम इज समथिंग दैट समबडी गिव्स टू मी, राइट? यूजुअली द स्टेट विल गिव टू मी, या माय फैमिली विल गिव टू मी, या माय फादर विल गिव टू मी, या माय बॉस विल गिव टू मी। लिबर्टी इज विद इन माई सेल्फ। आर यू अंडरस्टैंड? अब सर इससे फायदा क्या होता है? ओके, नाउ लिबर्टी का फायदा ये होता है। अब लिबर्टी दो तरह की होती है, वन इज नेगेटिव लिबर्टी, वन इज पॉजिटिव लिबर्टी। देयर आर टू डेफिनेशंस। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि मैंने तुम्हें ऐसे लिबर्टी दी विच गिव्स यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम योरसेल्फ। तुम अपने बेस्ट वर्जन बनो, तुम्हारी डेवलपमेंट में मैं किसी भी तरह का बैरियर ना बनू। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? गेट माय पॉइंट? बात समझे? तो लिबर्टी अलाउज यू टू बिकम द बेस्ट पॉसिबल जो तुम बन सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसी का नेगेटिव कॉन्सेप्ट ये, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ये कि स्टेट तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी, ओके, को रिस्ट्रिक्ट ना कर पाए बाय आर्बिट्ररी एक्शन। से द वर्ड बाय आर्बिट्ररी एक्शन मतलब क्या? कल को स्टेट को तुम्हें अच्छा नहीं लग रहे और स्टेट ने तुमको जेल में डाल दिया, तो सर आपने ना मुझे जेल में डालने से पहले ना मुझे बताओ कि ऐसा मैंने क्या किया, ऐसा क्या लॉ है और ऐसा क्या मैंने गुनाह कर दिया, कौन सा लॉ मैंने तोड़ा जिसकी वजह से तुमने मेरी लिबर्टी ली। जस्ट बिकॉज स्टेट को मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही, जस्ट बिकॉज स्टेट को मेरी बात नहीं पसंद आ रही, जस्ट बिकॉज स्टेट मुझे पसंद नहीं करता, यू कैन नॉट पुट मी अंडर और टेक अवे माई पर्सनल लिबर्टी।
So liberty has got two concepts, right? Yes, Sandeep, perfect. Article 20. So liberty has two concepts. One, positive, which says कि मैं तुम्हारी डेवलपमेंट में कोई बैरियर ना बनूं, और दूसरा मैं तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी में कोई बैरियर ना बनूं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लिबर्टी हैज टू कॉन्सेप्ट्स, राइट? वेरी नाइस. इट इज द लेसेस्ट फेयर, ब्यूटिफुल. ओके, वी विल डू दैट एट अ लेटर स्टेज, बट दिस इज द ब्यूटिफुल पार्ट. ओके, सो वॉट इज दिस? दैट वी विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टिंग योर पर्सनल लिबर्टी, एंड वी विल नॉट बी ऑल्सो स्टॉपिंग यू फ्रॉम योर पर्सनल डेवलपमेंट. बात समझ में आया मेरे फ्रेंड्स? एवरीवन इज क्लियर? All okay? Any doubts till now? All right. तो अब हमारा continuation. Okay. तो अब हमारा सब कुछ हो गया. हमने बोला justice हो गया, social, economical, political. हमने बोला liberty of thought, expression, belief, faith and worship. फिर हम continue करेंगे यहाँ पे. So we will do that at a later stage. Don't worry. अब continue. Okay. Then we have equality of status and opportunity. Make me proud, my friends. Everyone, जल्दी बोलो. Make me proud. What is equality of status? Beautiful. It is your socialism. And to promote amongst them all. The word is fraternity. Okay. A fraternity kya? Ki fraternity is ki tum mujhe jante ho ya nahi jante ho. I don't care. But hum log fraternal brothers and sisters hai. Hum log Indians hai. Meri ek pehchan hai. Okay. Hum dunia mein kisi bhi kone mein mile. Hum brothers hai. There is a brotherhood amongst us. Right. Ye concept is... कैसे बोलना बड़ा आसान है. ओहो, 130 करोड़ लोग एक दूसरे के ब्रदर्स हैं, कैसे पता चलेगा? ओके, व्हाट इज द कॉमन स्पिरिट? कॉमन स्पिरिट इज सिंगल सिटीजनशिप. तुम केरला के हो सकते हो, यूपी के हो सकते हो, बिहार के हो सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर के हो सकते हो. आपको जम्मू एंड कश्मीर की भी बात हो सकती है. ओके, वी डोंट केयर, वी आर ऑल इंडियंस. ओके, अनलाइक अमेरिका विच हैज गॉट डुअल सिटीजनशिप, इंडिया रिकॉग्नाइजेस ओनली अ सिंगुलर सिटीजनशिप. वी हैव अ सिंगुलर पासपोर्ट. लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल and unity and integrity of the nation. कि सर ये दोनों ही चीजें मैटर करनी चाहिए. मेरा डिग्निटी भी मैटर करनी चाहिए एज एन इंडिविजुअल. मैं ब्रदरहुड के बात सही है, लेकिन मेरी इंडिविजुअल राइट्स भी है. ओके, मेरे इंडिविजुअल राइट्स भी है, मेरे इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी है. जस्ट बिकॉज हम ब्रदरहुड है डज नॉट मीन कि सारे इंडियंस को एक साथ ट्रीट किया जाएगा. मेरे अपने इंडिविजुअल राइट्स भी है. ओके, सो फ्रेटर्निटी इज टू एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. सबको समझ में आया? यस और नो? एवरीवन इज क्लियर माय फ्रेंड्स? ऑल ओके? Right, so let's continue on this part. Now, continue. So, ab aap aa gaye last part mein. We the people of India, having solemn resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, political, social, economical, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Sorry, equality of status and opportunity, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, and fraternity, assuring the dignity of the individual, and unity and integrity of nation in our constituent assembly. On this day of 26 November 1949, हमने adopt किया है, हमने enact किया है, और हम खुद को ही दे रहे हैं this constitution. तुम्हें realize हुआ होगा इसकी वही spirit है जो we the people की है. Yes or no? मुझे किसी और की जरूरत नहीं है. This is also our, say the word, autochthony. तो पहले तीन वर्ड्स और आखिरी वर्ड्स यही दिखा रहे हैं that the source of power is that with the people of India. Are you understanding, my friends? Have you understood the preamble? Yes or no? Yes or no? Right? अब दो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो सब लोगों को आता है, बट मैं फिर भी बता रहा हूं. ओके, ये डेट थी 26 नवंबर 1949. यस, लेकिन हमने इसको बहुत कम पार्ट को यहां पर एनफोर्स किया. ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को. ऐसा क्यों? ये सबको मालूम है, बट फिर भी मैं तुम लोगों को ऐसा छेड़ रहा हूं. तुम्हें मालूम है टू कमेमोरेट द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था ऑन 26 जनवरी 1930 को. ओके, तो हम इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाना चाहते थे, इसलिए हमने इसको 26 जनवरी. तुम्हें क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा वर्ड याद रख लेना. द डेट मेंशनड इन द प्रीएम्बल इज 26 नवंबर 1949. Most of the constitution was enforced on, the word क्या यूज करोगे? Enforced on 26 जनवरी 1950, जिसको हम बोलते हैं रिपब्लिक. बात समझ में आ गया? Yes or no? ये बहुत बचपने वाला क्वेश्चन है, अब मुझे नहीं लगता आएगा, और आएगा तो फिर सबको ही आएगा ये. ओके, ये सबको याद है. All right, everyone. ओके, तुम्हें लगता है तुम्हारा हो गया प्रीएम्बल? बेटा अभी तो पिक्चर्स बाकी है. Listen. Now, an important part of this is बेरुबारी केस. ओके, बेरुबारी केस. Now, what is बेरुबारी केस? पहले हिस्ट्री समझो. Okay, ready? Now, India
and Pakistan got divided on the basis of what is called as a Radcliffe line. Okay, सबको मालूम है ये वाली बात. Now Radcliffe line, okay, India और Pakistan के बीच में आई थी on the basis of Muslim majority and Hindu majority. Muslim majority West Pakistan बनाया और Muslim majority East Pakistan बनाया. एक जगह रह गई, okay, थाना number 12 of New Jalpaiguri region. Say the word, थाना number 12 of New Jalpaiguri region of West Bengal. इंडिया में रह गई, ओके, जानी चाहिए थी ये ईस्ट पाकिस्तान, जाने कहां चली गई, रहनी रह गई किसके पास, इंडिया के पास. वेयर इट शुड हैव गॉन, इट शुड हैव गॉन टू पाकिस्तान. इस एरिया को बेरुबाड़ी बोलते हैं. नाउ 1952 में पाकिस्तान स्टार्टेड डिमांडिंग कि भाई हमको बेरुबाड़ी दो. ठीक है, 1958 में नेहरू साहब ने एक अग्रीमेंट साइन किया, उसको बोलते हैं नेहरू नून अग्रीमेंट. नून वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. नेहरू नून अग्रीमेंट में पाकिस्तान को नेहरू साहब ने प्रॉमिस कर दिया कि हम बेरुबाड़ी आपको दे रहे हैं. वी आर सीडिंग अवे बेरुबाड़ी. मैंने क्या बोला, वी आर सीडिंग अवे बेरुबाड़ी. सीडिंग अवे मतलब गिविंग अवे. नेहरू साहब वापस आए. व्हेन नेहरू साहब केम बैक टू इंडिया, ये लिखते चले जाना, ओके, 1958 वॉज अ नेहरू नून अग्रीमेंट. अब सुनो, जब नेहरू साहब इंडिया वापस आए तो नेहरू साहब पार्लियामेंट के पास गए और बोले देखो जी मैंने दे दिया है बेरुबाड़ी. तो पार्लियामेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई. तो नेहरू साहब ने बोला कंफ्यूजन क्या है, बोले सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ध्यान से सुनना माय फ्रेंड, एक मिनट भी इधर देखना, उसमें आर्टिकल 3 लिखा हुआ है. आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है यूनियन पार्लियामेंट नए स्टेट्स बना सकता है. इन अदर वर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं. I can increase the boundary of a state. मैं states की boundary बढ़ा भी सकता हूं. I can decrease the boundary of the state. लेकिन सर मैं state किसी को और foreign country को दे सकता हूं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ सर. Are you understanding this part? मेरी बात समझ में आई. मैंने क्या बोला, आर्टिकल 3 बोलता है हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कर सकते हैं, इंक्रीज द बाउंड्री कर सकते हैं, डिक्रीज द बाउंड्री कर सकते हैं, लेकिन तुम बंगाल का एक छोटा सा पार्ट उठाकर पाकिस्तान को दे सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ सर. तो नेहरू साहब बोले यार तुम ना बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हो. ओके, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हूं, ये डेमोक्रेसी है, और मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं, तो और मेरे पास पार्लियामेंट है, ओके, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट कोई भी ऐसा स्टेप ले सकता है जो उसको लेना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. In other words, मेरे हिसाब से preamble भी दो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है. तुम उसको अलग से क्यों पढ़ रहे हो, तुम आर्टिकल 3 आर्टिकल 3 क्यों बोल रहे हो, preamble में से क्यों नहीं पावर ले लेते हो. Are you understanding this part? सबको समझ में आया? Have you understood this language? Yes or no? So what was Nehru looking at? Nehru was looking at the preamble. Parliament said, sir, मैं तो आर्टिकल 3 की बात कर रहा था. Nehru said, तुम्हें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, ओके, तुम ऐसे अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हो. तो पार्लियामेंट से ठीक है सर आप प्राइम मिनिस्टर हो. बट देन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट भी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब जब तुम्हें मालूम है वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो. यस और नो? सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले हाँ आई एम नॉट वेरी क्लियर. ओके, सो उन्होंने अपनी पावर यूज की अंडर आर्टिकल 143. अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होती है विच इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. और उन्होंने ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को पूछ लिया कि सुप्रीम कोर्ट साहब आप ही बता दो कि क्या प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके, सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया इन दिस केस विच वॉज कॉल्ड एज द बेरुबाड़ी केस. और उन्होंने आंसर दिया इन 1960 में कि नो, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इन अदर वर्ड्स प्रीएम्बल को यूज करके नेहरू जी आप कोई बेरुबाड़ी नहीं दे सकते. अगर तुमको बेरुबाड़ी देना है तो तुमको आर्टिकल 3 अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज किया जा सकता है फॉर एनी पावर यूज. बेरुबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेहरू जी मजबूर थे सुप्रीम कोर्ट की ओबे करने के लिए. नेहरू जी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन and the parliament passed the 9th constitutional amendment act 1960. उन्होंने आर्टिकल 3 को अमेंड किया 9th constitutional amendment act 1960 से और दे दिया बेरुबाड़ी पाकिस्तान को.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो इसलिए करना पड़ा, क्यों करना पड़ा मुझे अमेंडमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बोला कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेहरू जी चले गए, लेकिन थोड़े सालों बाद एक इंपॉर्टेंट केस आया, और वो केस था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. सबको याद है वाली बात, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में फॉर द फर्स्ट टाइम ये ही फिर से मैटर डिस्कस हुआ, और केशवानंदा भारती केस में बोला ये जो जजमेंट आई थी ना बेरोबारी की, ये गलत थी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी थिंक दैट प्रीएम्बल इज सर्टनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Are you understanding this part? It is certainly a part of the Constitution of India, and therefore they overruled the Berubari case. So, agar Keshavananda Bharti judgment pehle aayi hoti, to tum samajh rahe ho ki mujhe kaun si amendment na karni padti? Kaun si na karni padti? The 9th Constitutional Amendment. So, pehli baar Nehru ji was correct, and the Supreme Court was wrong. Are you understanding this part, friends? Samajh mein aaya? तो आज के अनुसार, आज अगर मैं देखूं तो मैं बोल्ड लेटर्स में लिख सकता हूं क्या, दैट द प्रीएम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट फ्रेंड्स? एवरीवन हैज अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ऑल ओके? यस. अब एक लास्ट पार्ट, अब इंपॉर्टेंट बात है कि मैं प्रीएम्बल को पढ़ू कब. क्या मुझे सारा दिन प्रीएम्बल ही पढ़ते रहना? नो, मुझे प्रीएम्बल नहीं पढ़ना. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, ऑब्जर्व दिस. नाउ प्रीएम्बल को मैं पढ़ूं क्यों? राइट माय फ्रेंड्स, अगर ध्यान से सुनना. ओके, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी क्लियर, मैंने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली लिखा हुआ है कुछ, और मुझे कोई डाउट ही नहीं आ रहा उन्होंने कुछ भी लिखा हुआ है. सपोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14 लिखा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, समथिंग लाइक दिस. तो भाई इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर है. लेकिन अगर मुझे कुछ कंफ्यूजन आ रही है, ओके, सपोज मुझे कुछ ऐसा कोई नया लॉ आ गया कि एक्स वाई जेड रिलीजन वाले वोट नहीं दे सकते, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो मुझे अचानक लगे ओहो ये क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में यार, ये तो नहीं ठीक लिख रहा मुझे. तो प्लीज अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज कंफ्यूजिंग, विच इज नॉट वेरी क्लियर, तब मैं प्रीएम्बल का सहारा लेता हूं. तो प्रीएम्बल एक्ट्स एज अ लाइट हाउस. ओके, लाइट हाउस देख देख के तुम शिप नहीं चलाते हो, तुम तब लाइट हाउस देखते हो जब तुम्हें कुछ क्लैरिटी की कमी होती. इन अदर वर्ड्स, प्रीएम्बल डज नॉट गिव यू एनी पावर, प्रीएम्बल गिव्स यू गाइडेंस. और कब ये गाइडेंस की जरूरत होती है? गाइडेंस तब होती है जब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो और वो क्लियर ना हो. So, Constitution of India, तो प्रीएम्बल को बहुत सारे वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हुआ है. प्रीएम्बल को डिस्क्राइब किया गया है एज लाइट हाउस. ओके, प्रीएम्बल को डिस्क्राइब किया हुआ है एज आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. के मुंशी साहब ने बोला था प्रीएम्बल इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन अदर वर्ड्स, मैं प्रीएम्बल का सहारा तब लेता हूं जब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नहीं होता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, मुझे प्रीएम्बल देखने की जरूरत नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट फ्रेंड्स? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑर नॉट? अब मैं तुम्हारी नींदें उड़ा देता हूं. आज रात को तुम्हें नींद नहीं आएगी. ओके, इफ यू फॉलो दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ओके, रेडी? मैडम इंदिरा गांधी ने ना, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, नेक्स्ट 5 मिनट्स लिसन टू मी वेरी केयरफुल. ओके, प्रीएम्बल, मैं एक लाइन बोल रहा हूं उसको समझो. प्रीएम्बल इज द प्लान अकॉर्डिंग टू विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन. मैं ये लाइन बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला? प्रीएम्बल इज द प्लान अकॉर्डिंग टू विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन. येस और नो? यू हैव 10 seconds टू राइट. प्रीएम्बल इज द प्लान अकॉर्डिंग टू विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन. जो लोग लिख रहे हैं येस, वो बड़े नादान है. ओके, नादान परिंदे घर वापस आ जाओ. व्हाई? बिकॉज, वेरी गुड अजिता, वेरी नाइसली लॉजिकल थे. राइट, तुम्हारा प्रीएम्बल तो लास्ट में आया. ओके, तो ये प्लान पहले कैसे हो सकता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, थोड़ा दिमाग यूज करते जाओ माय फ्रेंड्स. क्वालिटी इज फॉर ब्रेनी पीपल. राइट, तुमने पहले, ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले तुमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा. ओके, फिर उसकी समरी बनाई. से द वर्ड, उसकी समरी बनाई, उसकी पिक्चर बनाई,
उसकी रिफ्लेक्शन बनाई, ओके, और उसको बोला प्रियम्बल। बात समझ में आया सबको? समझ में आया? ओके, प्रियम्बल वॉज नॉट द प्लान। तुमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख लिया, उसके बाद उसकी एक फोटो ली, छोटी सी फोटो, कंसाइज फोटो, और उसको वर्ड दे दिया प्रियम्बल। यस और नो? सबको समझ में आया? अब सुनो मेरी बात, अब तुम्हारे बिल्कुल टेंशन वाला मोमेंट आने वाला है। इंदिरा गांधी मैडम ने प्रियम्बल को अमेंड किया, यस और नो? इंदिरा गांधी मैडम ने प्रियम्बल को अमेंड किया, यस और नो? जब प्रियम्बल को अमेंड किया, मेरी बात ध्यान सुनो, तो प्रियम्बल इज नॉट द प्लान, जिसके बाद मैं प्लान चेंज कर देता मुझे कोई दुख नहीं था, यस और नो? प्लान चेंज करता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बदल जाता, यस और नो? लेकिन मैडम ने फोटोग्राफ चेंज कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फोटोग्राफ चेंज करने से माय फ्रेंड्स इंसान नहीं बदलता, प्रियम्बल चेंज करने से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलता, लेकिन तुमने फोटोग्राफ के साथ छेड़छाड़ कर दिया। फोटोग्राफ के साथ छेड़छाड़ करना फ्रॉड है, यस और नो? तुम मेरी शक्ल बदल दो, ओके, और फिर फोटोग्राफ बदल जाए, मुझे कोई गम नहीं। फोटोग्राफ बदल दो, शक्ल नहीं बदलती। यू हैव चेंज द फोटोग्राफ विदाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डू यू अंडरस्टैंड? यू हैव कमिटेड अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस और नो? हेंस जस्टिस एच एच सिरवाई सीवियरली क्रिटिसाइज द प्रियम्बल्स अमेंडमेंट, सेइंग दैट यू हैव कमिटेड अ फ्रॉड, यू शुड नेवर टच द फोटोग्राफ। अगर ये प्लान चेंज करना होता तो मुझे कोई गम नहीं था, बट इट वॉज नॉट द प्लान, इट वॉज द समरी। मैं तुम्हें एक बुक लिख कर दे दूं और बुक के पीछे समरी बदल दूं, उससे क्या बुक बदल जाती है क्या? नो। हेंस ऑल द प्रियम्बल इज अमेंडेबल, अमेंडेबल है, अमेंड हुआ है, लेकिन इट शुड नॉट बी अमेंडेड। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट द प्लान अकॉर्डिंग टू विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, इट इज द फोटोग्राफ विच इज, इट इज द फाइनल समरी। Are you understanding this part? Everyone has understood, my friends. Picture clear? This is topper material, my friends. You'll have to understand this. Okay. So any commitment, any touching the preamble is not acceptable. It should not be done, right? It is like a fraud on the preamble. Are you clear on this? Friends, all okay? Cool, my friends. I think that should be more than enough. Both okay, preamble. Okay. Aaj isko socho, absorb karo. Okay. And then we'll meet up in the next class. Try and understand this in far more detail. I think तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा, okay? That मेरे साथ preamble, मेरे साथ quality पढ़ना है. You have to be very, 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 very attentive. All right? Take care of yourself. Good night. I'll see you in the next class. Thank you very much. God bless. Thank you.